नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं मुखर कविता जयपुर से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम। हासिल स्वतंत्रता किसी के लिए भी निसंदेह गर्व करने लायक उपलब्धि है। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिलाने वालों की कुर्बानी को याद करने का भी दिन है और जश्न मनाने का दिन है। लेकिन एक देश के लिए उसका स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता के मायने, लक्ष्य, सपने और हासिल के आकलन करने का भी दिन है। यह आकलन ना हो तो उस देश के नागरिक न तो आज़ादी के हासिल समझ पाएंगे और न ही आज़ादी के असल लक्ष्य की पूर्ति में अपनी भूमिका को जान पाएंगे और निभा पाएंगे। यह आकलन ही बताता है कि एक देश के आगे की क्या दिशा होगी। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं मशहूर शायर राहत इंदौरी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप दो पंक्तियां, उन्हीं की लिखी पंक्तियां सुनाती हूँ। प्रस्तुत है। मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो आइए दोस्तों, मिलवाती हूँ मैं आज के अतिथियों से। चार प्रबुद्ध जन मौजूद हैं विभिन्न विषयों को पे स्वतंत्रता के मायने को डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर बजरंग सोनी जी से आपको मिलवाती हूँ। आप एक प्रखर वक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं आप, और कवि हृदय लेखक और राष्ट्रीय स्तर से कि आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। आपकी खास बात यह है कि आपके अस्पताल में जब भी एक बिटिया का जन्म होता है तो आप जन्मोत्सव वहीं पे मनाते हैं, और मैंने तो ये भी महसूस किया है कि आप वहाँ पे एक प्रबुद्ध जन को बुलाते हैं, चाहे वो लेखक हो, चित्रकार हो, कवि हो, और उनके हाथों वह भेंट देते हैं या वह केक कटवाते हैं। ये एक बहुत ही श्लाघनीय बात है और हम आपको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं। हमारे बीच में है हिंदी और साहित्य के आलोचक, प्रसिद्ध आलोचक दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। आप कॉलेज में अध्यापन से लेके विभिन्न पायदानों से होते हुए आप संयुक्त निदेशक तक के पद पे गए। मैंने आपके जब बायोडाटा पढ़ा तो मैंने देखा कि आपके सिर्फ कर्म में ही विविधता नहीं है, आपकी रुचि में, आपके उत्कंठा में भी बहुत विविधता है। आप साहित्य के सभी प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं, तो शिक्षा में वीडियोग्राफी और प्रसार संचार, सब प्रकार, खेल, नृत्य, संगीत, सब में रुचि रखते हैं और सब में आपने बहुत कुछ काम किया है, लिखा है। आप अनुवादक भी हैं अच्छे। हमारे एक और जो हमारे बीच में बीकानेर से पधारे हैं डॉक्टर संदेश त्यागी जी। आपकी 7-8 कृतियां मैंने पढ़ी कल, और उसमें से कृतियों की विधा तो मुझे नहीं पता चल पाई। मैं अंदाजा लगा रही थी कि वो काव्य भी हैं, तो काव्य संग्रह भी हैं, तो उसमें लेख के भी हैं बहुत, और मुझे लगा कि हे राम, गांधी एक महापुरुष, एक युग पुरुष, और तुम ही बतलाना गांधी, ये एक निबंध संकलन या लेख गद्य होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। सर संदेश त्यागी जी, आपका माइक म्यूट मत करें। जी जी बिल्कुल जी। और आप आकाशवाणी वार्ताओं में पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं और सामाजिक मुद्दों पे बात करते रहे हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़े पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की जो चर्चा है उस पर शुरू होते हैं हम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 29 जनवरी 1948 में जारी अपनी अंतिम वसीयत में देश के राष्ट्रपिता ने लिखा कि जब तक भारत के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिल जाती, तब तक भारत की आजादी अधूरी है, तो उस लक्ष्य में हम कितने करीब हैं, कितने दूर हैं? मैं ये प्रश्न सबसे पहले संदेश त्यागी जी से पूछना चाहूंगी, क्या बताते हैं आप सर? कविता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस चर्चा का जो हिस्सा है मुझे आपने बनने का अवसर दिया, और इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में मुझे ये आगाज करने का अवसर मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की। जो आपने गांधी की बात की, गांधी के सपनों से जो गांधी की वसीयत है या गांधी के सपनों का जो हिंदुस्तान था, तो मुझे तो नहीं लगता कि उस सामाजिक स्तर पर या वैचारिक स्तर पर हम वहां पहुंच पाए हैं जहां गांधी के
नजरिए से हमें होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि जो समय बीतता है उसमें एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप माने या और किसी तरह का एक डेवलपमेंट माने, तो वो सरकार कोई भी हो उसको डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया से निकलना ही पड़ता। जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि हम उसको इमोशनल तौर पर या हम वैचारिक स्तर पर सोसाइटी को कहां ले जा करके खड़ा कर। जो आर्थिक आजादी है, आर्थिक डेवलपमेंट है, वो होगा, वो बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनके अनुभव हैं। लेकिन जो आर्थिक आजादी की बात हम करें, डेवलपमेंट की बात करें, 230 रुपए पर कैपिटा इनकम थी जिस समय गांधी जी ने ये बात कही, आज 93,000 रुपए। तो डेवलपमेंट भी हुए हैं, एवरेज एज बढ़ी है, सारी चीजें हुई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि गांधी जिस माध्यम से चाहते थे, जो भावनात्मक तौर पर, जो वैचारिक स्तर पर गांधी एक समाज स्थापित करना चाहते थे, वहां से हम अभी बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। निराश होने की स्थिति इसलिए नहीं है कि बहुत से स्तर बढ़े हैं, एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो गांधी के जमाने से अब कहीं ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको साकार रूप में मान पाए। मैं वही बार बार कह रहा हूं, एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, अभी आपने जिक्र किया राहत साहब का, हमने उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन न जाने कितने अवसर ऐसे भी फेसबुक पर सामने आए जहां हम मौत का जश्न मना रहे हैं। ये गांधी के सपनों का हिंदुस्तान नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस जगह खड़े हैं, बहुत मेहनत की आवश्यकता भी पड़ेगी और कोशिश भी हमें करनी पड़ेगी। जी, आप सही कह रहे हैं। आज एक प्रमुख पत्रिका, एक अखबार के एडिटोरियल में भी मैंने पढ़ा कि आज हम किसी मौत का जश्न कैसे मना रहे हैं सोशल मीडिया पर। और हम एक जो थे कि भाई जनाजा भी जाता था तो हम सर झुका लेते थे, और दुश्मन के भी जनाजे के सामने हम नतमस्तक हो जाते थे कि वह अब वह नहीं रहा, अब वह एक आत्मा है और हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन वैचारिक मतभेद के आधार पर जीवन मृत्यु तय होने लगे। अब किसी को कुछ बीमारी हो जाए तो अब दुआ होती है कि ये मर जाए तो अच्छा। ये हिंदुस्तान वो नहीं था जो कम से कम गांधी के सपनों का हिंदुस्तान। यही बात इम्पोर्टेंट है कि हमको देखना है कि हमको कहाँ पे करेक्ट करना है। जी वैसे मैं चाहूंगी कि बजरंग सोनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुन रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर आप का कुछ मत है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। हर चीज के दो पक्ष होते हैं। हाँ, गांधी जी ने जब चीजें सोची, भारत बहुत अलग तरह का था, बहुत छोटा भारत था, समस्याएं अलग तरह की। आज भारत बहुत आगे बढ़ा है। मैं शशि थरूर जी की एक बात से बहुत सहमति रखता हूँ। जब अंग्रेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पे उनको स्पीच देना था, किसी ने कहा कि भारत को अंग्रेज बहुत कुछ देके गए। उन्होंने कहा भारत को अंग्रेज बहुत कुछ नहीं देके गए, भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। और पिछले आजादी के इतने सालों में, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पिछले 60 सालों में हमने कुछ नहीं किया, अगर हम ये कहते हैं तो हम स्वयं के साथ भी अन्याय करते हैं और व्यवस्था के साथ। हम बहुत आगे बढ़े हैं, देश बहुत आजाद हुआ है, हमारी आर्थिक स्थितियां, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने देखा है हरिजनों की स्थितियां, महिलाओं की स्थिति देखी है, गरीबों की स्थिति देखी है, किसानों की स्थिति देखी है, हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन चूंकि जो व्यवस्था बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। पहले बीमारियां होती थी, उल्टी दस्त वगैरह होते थे, अब कैंसर होने लग गए, अब एक्सीडेंट हो गया, कोरोना हो गया। उसी तरह गांधी के समय का जो भारत था और आज के भारत में रात दिन का अंतर आ गया, आज के सोच में अंतर आ गया। गांधी जी के वक्त 60 साल के लड़के को बोलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसको छोटा माना जाता था। आज 60 साल के आदमी को रिटायर कर देते हैं। बिल्कुल, आज 60 साल का व्यक्ति रिटायर हो गया है। तो व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन मैं बहुत सकारात्मक हूं और ये मानता हूं कि बहुत कुछ हमने ठीक किया है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी लोग आए, जो भी उनसे हो पाया, उन्होंने काफी काम ठीक किया, अभी और हम काम ठीक करेंगे। हालांकि आजादी के जो मायने गांधी जी ने सोचे या हम सब ने सोचे वो नहीं है, क्योंकि उस समय था कि हम किसी पे कृपा करते थे, हम कृपा दृष्टि करते हैं। कृपा करने का मेरा तात्पर्य यह है कि पहले हम उसको सक्षम बनाते थे। गांधी जी ने कहा सफाई करिए, गांधी जी ने कहा छुआछूत छोड़िए, गांधी जी ने कहा दहेज का विरोध करिए, गांधी जी ने कहा हम मृत्यु भोज का विरोध करिए। तो गांधी जी चाहते थे कि पहले गंदगियां दूर हों और फिर उसका निर्माण हो। अब गंदगियां दूर नहीं कर रहे हम, निर्माण किए जा रहे हैं और गंदगियां अपनी जगह मौजूद है। और सोनी सर, आपके विषय को मैं कंटिन्यू करते हुए एक प्रश्न करती हूँ।
कि प्रख्यात धाविका ने जो पीटी उषा थी उन्होंने करीब 4-5 वर्ष पहले एक प्रश्न किया था कि अभी भी वैसी आजादी लड़कियों को नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। तो आप जो बात कर रहे हैं उन्हीं बातों को दहेज और विवाह के समारोह के बदलते स्वरूप या निर्भया कांड और मीटू आंदोलन और ऑनर किलिंग आदि के प्रकाश में बताएंगे आप? बिल्कुल, महिलाओं को जो आजादी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, वो अब भी महिला है। कल किसी ने एक फोटो डाली जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी की दोनों फोटो साथ डाली और किसी ने उसमें कमेंट किया कि एक परिवार चलाने के लिए एक औरत और एक आदमी का होना और उनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है। मैंने उसमें प्रतिक्रिया की कि आपको राजस्थान के दो बड़े कद्दावर नेता दिख रहे हैं और आप केवल औरत और आदमी ही देख रहे हैं। केवल औरत और आदमी है? कविता मुखर्जी केवल औरत है या दुर्गा प्रसाद अग्रवाल केवल आदमी है? इस मानसिकता से हम बाहर निकलेंगे और ये बहुत जरूरी है। सही कहा पीटू उषा ने, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं देखता हूँ हमारे पास लड़कियां आती हैं, वो कहती है मैं पर्टिकुलर जाति से हूँ लेकिन मैं अभी भी लड़की हूँ। डॉक्टर बन जाती है, आईएएस बन जाती है लेकिन अभी भी उसको सोचना पड़ता है कि मुझे क्या निर्णय लेना पड़ता है। तो महिलाओं के प्रति जो भाव है अभी बदला नहीं है और बहुत कुछ इसको बदलने की जरूरत है, जीरो टॉलरेंस के साथ। जी, जब अपने साथ पत्रकार दीपक स्वामी जी गोस्वामी जी जुड़े हैं तो मैं उनसे एक प्रश्न इसी के संदर्भ में करना चाहूंगी कि अभी जो आपका सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो दहेज और विवाह समारोह के जो बदलते स्वरूप हैं या निर्भया कांड है या मीटू आंदोलन है, उस संदर्भ में आप देश किस स्थिति में आगे बढ़ा है, पीछे घटा है या कहाँ पे है? दीपक जी आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? दीपक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जब पाते हैं जुड़ पाते हैं। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी आप बताएं इस विषय में। जी देखिए, मेरे सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ है, उस गिलास में थोड़ा सा पानी है। अब आप उसे ये भी कह सकते हैं कि वो गिलास आधा खाली है और आप यह भी कह सकते हैं कि वो गिलास आधा भरा हुआ है। मुझे लगता है कि जब हम अपने देश की वर्तमान स्थितियों का या किसी भी स्थिति का आकलन करते हैं तो हम एकांगी हो जाते हैं। हम या तो ये कहते हैं कि वो गिलास खाली है और या ये कहते हैं कि वो गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन सच इन दोनों के बीच होता है। जब आप स्त्रियों की, हमें दोनों बातें कहनी चाहिए। 1947 से आज तक इस देश में स्त्रियों की स्थिति में कोई बदलाव, कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है, ये कहना सच्चाई से आंखें मूंदना होगा। लेकिन ये मान लेना कि जितना कुछ हमें प्राप्त करना था वो हम सब प्राप्त कर चुके हैं, ये भी अर्ध सत्य होगा। आपने जो सारी बातें अभी गिनाई, चाहे वो मृत्यु हो या दहेज की हत्याएं हो या हाल में वो जो उत्तर प्रदेश में एक लड़की वाला मामला, शबला 2 दिन पहले वाला, या और बहुत सारे ऑनर वाले मामले हो, ये सारी चीजें अब भी बताती हैं कि हमारे यहाँ स्त्री की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होने की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन आप ये भी याद कीजिए कि कुछ समय पहले राजनीति में एक स्त्री थी भारतीय राजनीति में, इन्हें ये कहा जाता था कि अपने मंत्रिमंडल है, मैं इंदिरा गांधी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आयरन लेडी कहा जाता था। राजस्थान की राजनीति की बात करें, आप वसुंधरा राजे रही या, अब आप ये मत कहिएगा कि वो तो एक राष्ट्रीय परिवार से थी और ये सारी बातें, अंततः वे एक स्त्री थी और उसके बावजूद उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई। जीवन के सारे क्षेत्रों में आप देख लीजिए, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, खेल हो, प्रशासन हो, स्त्रियों ने अपनी जगह बनाई है। किरण बेदी को कौन भला भूलेगा जो क्रेन बेदी बन गई थी एक जमाने में। तो एक तरफ तो ये भी हम लोग रोज पढ़ते हैं कि बहुत सामान्य परिवारों की बच्चियां बड़ी विषम स्थितियों में पढ़ाई करती है, जीवन में अपना स्थान बनाती हैं और बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श करती हैं। लेकिन ये भी सही है कि लड़की लड़की ही रह जाती है। हम लोग उसे दबाते हैं, हम लोग उसे अपमानित करते हैं, हम लोग उसका जीना हराम करते हैं। अभी कल ही मैं ललन टॉप की एक रिपोर्ट देख रहा था। ललन टॉप आप जानते हैं, एक बड़ा लोकप्रिय चैनल है। तो वहां राजनीति में स्त्रियों की चर्चा करते हुए
वसुंधरा राजे के हवाले से ये बताया गया था कि राजनीति में भले ही उन्होंने कितना ही कुछ किया हो, लेकिन जब भी उनके चरित्र हनन की जरूरत पड़ी, उनके स्त्रीत्व को सामने लाया गया, और वो चाहे वो किरण शाह मजूमदार के साथ उनका गले लगने वाला फोटो हो जिसे लिप लॉक कहकर प्रचारित किया गया, या उनकी वैवाहिक स्थिति की अप्रिय चर्चाएं कर करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और हम सब लोग ये देखते हैं कि अगर आज एक लड़की, मेरी बेटी, मेरी खैर बेटी बड़ी हो गई, लेकिन वो अगर घर से निकलकर बाजार जाए तो मुझे चिंता रहती है कि वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी। तो ये जो असुरक्षा है ये हम लोग दूर नहीं कर पाए हैं, और एक मानसिकता में भी हम जितना बदलाव हमें लाना चाहिए था उतना बदलाव अब तक नहीं ला पाए हैं, लेकिन निश्चय ही उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप दुर्गा प्रसाद जी, आप जो है ना, आप विषय को ट्रीट करने का जो आपका दार्शनिक अंदाज है वो बहुत ही प्रिय लगता है, और आप बहुत सकारात्मक बात करते हैं। संदेश त्यागी जी थोड़ा बाहर है तो हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर साहब आप सुने, हमारा संविधान जो है 1950 के दशक में बात कर रहा था समानता की, और आज जब नारी नहीं, मैं तो संप्रदायों और दलितों की बात करूं तो उनको भी आजादी की सीमा बताने का दुस्साहस करना जारी है। क्या हम हासिल आजादी को पूरी कह सकते हैं? अभी हमने जो टॉपिक कवर किए उसमें संप्रदाय और दलितों का विषय क्या रहा? प्रश्न है मुझसे है जी, दलितों के और सांप्रदायिक जो घटना बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, तीन देश हैं, लेकिन कमोबेश इनकी संस्कृति एक ही है। बांग्लादेश की संस्कृति एक है लेकिन धर्म दो हैं, तीन देश हैं, एक संस्कृति। हम इसको मिक्स कर देते हैं जबकि इनको मिक्स नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, मुस्लिम धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, हमको चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक हस्तक्षेप करना चाहूंगी, ये क्या हिंदुस्तान पट्टी नहीं है पूरी? पूरी पट्टी मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों एक है सांस्कृतिक रूप से जी, लेकिन अब भौगोलिक दृष्टि से तीन टुकड़े हो गए, तो तीन अलग राष्ट्र हो गए और दो अलग धर्म हो गए, लेकिन संस्कृति मूलतः एक है। एक आज बांग्लादेशी और एक बंगाल का आदमी अपनी बंगला भाषा पे बहुत गर्व करता है, एक पंजाबी और पाकिस्तान के पंजाब वाला अपनी पंजाबी कल्चर पे बहुत गर्व करता है। तो हमारी संस्कृति तो मूलतः एक है, धर्म दो हो गए हैं और देश तीन हो गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम इनको मिक्स कर देते हैं। जैसे एक शब्द नया उभर के आया, गंगा जमनी संस्कृति, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यह शब्द ही गलत है। गंगा जमनी संस्कृति का शब्द का मतलब क्या है? यानी जो धर्म की अपनी मान्यताएं हिंदू की है, जो धर्म की मान्यताएं मुस्लिम की है, वो अलग अलग है, अपने अपने धर्म का सम्मान कीजिए, दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। अगर सम्मान नहीं करते तो अपनी हदों में और अपनी सीमाओं में अपने आराध्य देव की पूजा कीजिए, एक दूसरे को कीचड़ उछाने की जरूरत ही कहाँ है? अब जरूरत नहीं है। देश जहां तक है तो देश हमारा सबका एक है, सेना में हम एक हैं, पुलिस में हम एक हैं, चिकित्सा में हम एक हैं, एक ही तरह से शहीद होते हैं, एक ही तरह से पढ़ते हैं, तो हम फिर धर्म को बीच में लावे ही क्यों? तो धर्म को जो लोग मिक्स करते हैं, तो दो तरह के लोग हैं जो मिक्स करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सब गंगा जमनी संस्कृति, अरे भाई जब एक ही देश है तो संस्कृति दो तरह की मिलाने की जरूरत ही क्या है? मुसलमान का भी हिंदुस्तान है और हिंदू का भी हिंदुस्तान है, उसको गंगा जमनी शब्द को लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो साहित्यिक दृष्टि से अच्छे लगते हैं लेकिन इन्होंने गड़बड़ की है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काते हैं, यानी मुस्लिम के बारे में बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी शायर ने, कि हाजी भी था, नमाजी भी था, बड़ा नेक था बंदा, पर क्या और भी कोई खता थी? यानी हाजी है, नमाजी है, बड़ा नेक है, और क्या कमी थी उसमें? यही बात हिंदू के लिए है कि पंडित है, पूजा करता है, आस्थावान है, भगवान के प्रति समर्पित है, उसमें क्या कमी थी? पर इन दोनों के बीच में जो द्वेष है, द्वंद्व है, झगड़ा है, वो ये नहीं करते। अयोध्या में झगड़ा अयोध्या वाले नहीं करते, बाहर वाले कराते हैं, राजनेता कराते हैं जिनकी रोटियां सेकनी होती है। तो हमें इनको अलग थलग करने की जरूरत है, और जब अलग थलग कर देंगे तो ना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा रहेगा, ना दलित अगड़े पिछड़े का रहेगा। क्योंकि मेरी एक कविता है उसमें मैंने पंक्ति लिखी थी कि देश बहुत बड़ा है,
अगड़ों से पिछड़ों से जात पात के झगड़ों से, अगड़ों से पिछड़ों से जात पात के झगड़ों से, मनु के कमंडल से और अंबेडकर और अमंडल से। मनु महाराज के कमंडल से भी बड़ा है, अंबेडकर से भी बड़ा है, मंडल से भी बड़ा है और जात पात के झगड़ों से भी बड़ा है। जब देश को हम बड़ा मान लेंगे, धर्म को श्रेष्ठ मान लेंगे और आपस में विवाद नहीं होगा, तो ना तो धर्म आड़े आएगा और ना ही जाति आड़े आएगी। फिर हम सामूहिक रूप से मिलकर विकास कर रहे हैं, जो कर भी रहे। आप देखिए, मेडिकल में देखिए, स्कूल में देखिए, वहां कौन पूछ रहा है किस जाति से हो आप? जो शहीद होते हैं वहां कौन पूछ रहा है? साहित्य में कौन पूछ रहा है? हम कर रहे हैं। केवल राजनीति की जो रोटियां सेकते हैं वो लोग धर्म और जाति को आगे ला रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से नीर शीर व्याख्या की कि धर्म को धर्म तक ही रहना चाहिए, उसको अन्य क्षेत्रों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। धर्म धर्म तक है, वही से ये। लेकिन यहाँ पे जब गंगा जमने वाली बात कही, उसमें मैं आपसे साथ सहमत नहीं होते हुए भी आपकी बात का आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। खैर, मैं एक संचालिका हूँ और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताऊंगी। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जी सर, अगर अनुमति दें। सर प्लीज। डॉक्टर साहब, वैसे तो कविता जी ने भी ये बात कह दी, लेकिन मुझे लगता है कि गंगा जमनी तहजीब जैसी अभिव्यक्तियों से बहुत नाराज होने की हमको जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जैसे गंगा और जमुना दो अलग अलग नदियां हैं और प्रेम से रहती हैं, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है, कुछ उसी तरह मेरी और किसी और की आस्थाएं अगर अलग अलग हैं तो उनमें टकराहट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बात केवल इतनी सी है। आप देखिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मोहम्मद रफी खाली यही कहना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते अगर मेरा निवेदन ये था कि हमारे रिश्ते अगर नीक शीर्वत है तो हमें फिर किसी सेतु की जरूरत नहीं है। अगर हमारे दुर्गा प्रसाद जी से बहुत रिश्ते हैं तो जब जब सड़कें टूट जाए तो सेतु बनाने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ ये मजबूरी हो गई है कि दोनों या विभिन्न धर्मों के बीच द्वेष पैदा कर दिया गया है, तो अब उस द्वेष की खाई को पाटने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। जब तक नहीं था तब तक कोई जरूरत नहीं थी, तब तक कोई गंगा जमनी तहजीब की बात करता भी नहीं था। आप याद कीजिए ना, 45 से पहले गांव का रहने वाला हूं, मैं तो गांव का रहने वाला हूं और मैंने मेरे गांव में जो देखा है इतनी समरसता है, हमें कहीं लगता ही नहीं कि हमें किसी सेतु की जरूरत है, हम बहुत मिलके प्यार से रहते हैं। तो बस तब तो कोई जरूरत नहीं थी, जब जरूरत पड़ती है तो हम ये दवा ले लेते हैं कि चलिए गंगा जमुनी तहजीब के बहाने भी हम दोनों को एक कर लें। लेकिन अभी आप जो कह रहे थे डॉक्टर साहब, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि असल में धर्म और ये सारी चीजें बहुत निजी आस्था की चीजें हैं, इनको सार्वजनिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर में किस देवता की पूजा करता हूँ, किस तरह पूजा करता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। लेकिन हम लोगों ने देखा ये कि आजादी के बाद हमारी राजनीति ने इन निजी चीजों को सार्वजनिक बनाकर उसके चूल्हे पर अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया है और उन्होंने हमारी अस्मिताओं को धारदार बनाया है। आज जब मुझे ये कहा जाता है कि तुम इस बात पर गर्व करो कि तुम्हारा ये धर्म है, तो वो शायद मैं कहीं दूसरे से नफरत करने के लिए भी तैयार किया जाता हूं। और आज जो माहौल है वो माहौल तो बहुत बहुत विषाक्त है। जब तक हम लोग इस माहौल को नहीं बदलेंगे, मुझे लगता है हमारी आजादी अधूरी रहेगी। सही कह रहे हैं। हम कहते हैं, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा, हम कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ। जी, ये कहने का हक भी देना होगा। मैं दीपक गोस्वामी जी से आज करूंगी कि आप क्या कहते हैं। आप एक पत्रकार रहे हैं और शायद आपका माइक म्यूट है। सर, आपका माइक म्यूट है दीपक जी। हाँ, आप एक पत्रकार रहे हैं तो इस विषय में आपने बहुत ट्रीट किया होगा, बताइए। जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी सोनी साहब को भी सुन रहा था और मैं आपको भी सुन रहा था। मुझे लगता है कि जब हम हमारी आजादी की बात करते हैं तो आज तक हम आजाद सही मायने में हो ही नहीं पाए, क्योंकि जब हम देश को कहते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए थे, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। चाहे आप हमारे संविधान को देख लीजिए, आज भी हम अंग्रेजों के जमाने का जो संविधान है उसी पे चलते आ रहे हैं। आज भी जो हमारे कानून है, चाहे पुलिस का कानून है चाहे दूसरे कानून है, वो सारे के सारे आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर ही चल रहे हैं। हम अगर शिक्षा की बात करें तो मैकाले का जो शिक्षा का सिद्धांत था उसी पर हम आज भी चल रहे हैं। जहां तक मैं सोनी जी की बात से सहमत हूं कि हम गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, कहते हैं कि बातें जो होती हैं वो किताबों में ही अच्छी लगती हैं। हम भाईचारे की बात करते हैं तो बहुत से बार ये देखा गया है कि लगातार हम लोग इन बड़ी बड़ी बातों को लेकर जो है
वो एक दूसरे के मन मुटाव की संभावनाओं को और दृढ़ करते हैं। जबकि हमको इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम सभी इंसानियत के रूप में चलें। धर्म कहते हैं कि सभी धर्म एक हैं, मुझे लगता है कि सभी धर्म एक नहीं है, क्योंकि हमने सभी धर्म पढ़े ही नहीं है। आप सभी धर्मों की किताबों को उठा के पढ़िए, सब में अलग अलग विचारधारा है। चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता की बात कर लीजिए, चाहे आप कुरान की बात कर लीजिए, चाहे आप बाइबल की बात कर लीजिए, सभी में अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन हम मंच पर खड़े होकर, हम टीवी चैनल की डिबेट में आकर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कह देते हैं कि हम लोग है ना जो सभी धर्म एक से। अरे भाई, आप पहले धर्मों की पुस्तकें पढ़िए, उसमें कहीं ना कहीं सब जगह अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। उसके बाद आप डिबेट पर आइए, उसके बाद आप मंच पर ये बोलिए कि सभी धर्म एक हैं। मुझे लगता है कि हमको हमारे देश को आजादी के लिए आज भी हमको तत्पर तैयार रहना पड़ेगा। हमको मानसिक गुलामी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। हमको सभी लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो नारी की बात करें, जैसे कि पहले हम नारी की बात कर रहे थे, आज भी नारी के ऊपर इतने बंधन हैं कि आप और हम बता नहीं सकते। मेरी एक बेटी है जिसको मैंने 16 साल की 15 साल की उम्र में उसको गाड़ी चलाना सिखा दिया। मेरे घर वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि भाई इसको गाड़ी क्यों चला रहे इतनी छोटी उम्र में। मैंने कहा नहीं, ये एक ही मेरी बच्ची है, इसको वो सब काम आना चाहिए जो मुझे आता है। तो मैं उसको रात को भी ऑफिस से आती है तो मैं उसको कभी डांटता नहीं हूँ। मुझे पता है मैंने उसको अपने पांव में इतना मजबूत कर दिया है कि वो किसी का भी मुकाबला डटकर कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के जो लोग हैं वो महिलाओं को, वो अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को इतना सक्षम बनाए कि सामने वाला हिम्मत ही नहीं कर पाए कि उनके ऊपर कोई उंगली उठा पाए। हम आजाद उस समय होंगे जब हमारे बच्चे आजाद होंगे, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं आजाद होंगी। हम उस समय आजाद होंगे जब हम अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की जो मानसिकता है उसको छोड़ेंगे, तब जाकर हम आजाद होंगे, तभी ये देश सच में आजाद कहलाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आजादी का जो रास्ता है ना वो यहीं से जाता है कि हमारे हर नागरिक, हर आगे जो पीढ़ी है, हर पीढ़ी को बिना किसी भेदभाव के सक्षम बनाना है, हर रास्ते में सक्षम बनाना है। जी संदेश त्यागी जी, आप। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो दुर्गा प्रसाद जी से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मसला है। अब उसको सार्वजनिक बनाने के कारण ये दिक्कतें पैदा हुई। अब जो दीपक जी ने बात की, मुझे यहाँ 2-3 चीजों पर एक आपत्ति है कि धर्म सारे एक से नहीं। अब धर्म आप किसको मान रहे हैं ये परिभाषित करें, और धर्म एक एक जैसी चीज नहीं, धर्म के कई पहलू हैं। एक उसका पहलू नैतिकता है। तो धर्म वो है जो सही मायने में व्यक्तिगत इंसानियत को आगे लाकर अपने, मैं वही कह रहा हूं जी दीपक जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि व्यक्तिगत इंसानियत को लाए, ये कौन से धर्म में हम तक बात पहुंची कि कोई धर्म हमें इंसानियत तक नहीं लाना चाहता। भले ही हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, उसका जो मैसेज है वो सेवा है। हर धर्म का मैसेज मानवता है, हर धर्म का आधार प्रेम है। अब ये उसकी कर्मकांडीय पद्धति अलग हो सकती है, उसकी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन उसका मैसेज देने का तरीका सबका, कौन चाहता है कि झगड़े हुए। अब जो दूसरी बात थी सर मेरी, जैसे अभी आपने कहा, अब हमारे यहाँ कहते हैं कि धारणा धर्म मिथ्याहुमो धारयते प्रजा, जो जोड़ने का काम करता है वो धर्म है, और कौन है जो आज तोड़ना चाह रहा। तो हम उस डेफिनेशन पर अगर आए कि सबने धर्म नहीं पढ़ा, ये अलग मसला है कि हमने तकनीकी रूप से वो किताबें नहीं पढ़ी हो, वो अक्षरशः नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये मैसेज हम तक है कि धर्म का अर्थ जोड़ना, लेकिन बहुत धर्म का तोड़ना। आप ये भी पढ़िए कि जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है, उनको मार देना चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है, आप पढ़िए पहले। मैं उस बात पे नहीं जा रहा सर, क्योंकि मैं उसी बात पर कर रहा हूं, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग लिखा हुआ है। एक एक चीज, अब इसका मतलब सर, मैं एक एक बात कहना चाह रहा हूं, जो वैदिक हमारे सूत्र हैं, जो वैदिक हमारा साहित्य है, उसमें दुनिया भर के विरोधाभास है 50, क्योंकि वो श्रुति, हर धर्मों का हर लेखन का स्तर है अपना। मैं वही कह रहा हूँ करेंगे कि फलाने धर्म का स्तर नीचा है, ये मैं तय कैसे करूंगा, आप तय कैसे करेंगे। पुस्तकों का स्तर अलग, जैसे पांचवी क्लास की जो पुस्तक होती है उसमें अलग होता है, दसवीं की जो पुस्तक होती है उसमें अलग होता है। जो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टेप जो चीज लिखी गई उसको आप अब इस तरह से लागू करें, एक के विरोध में खड़ा करके। एक, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। दूसरी बात सर, कि संविधान जो है उसमें एक आपत्ति सी मुझे नजर आई। अगर संविधान हमारा इक्वलिटी देता है, वो अंग्रेजों के जमाने में हो या अब के जमाने में हो, किसी भी आदर्श सोसाइटी का, किसी भी सभ्य समाज का जो आदर्श हो सकता है वो इक्वलिटी हो सकती है, रूल ऑफ लॉ हो सकता है। तो अगर हमारे संविधान में वो प्रावधान हैं, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने में हमने दुनिया भर से लेकर के इकट्ठे किए और बनाए, उनमें हमें बदलने की आवश्यकता क्या है।
और संविधान के एप्लीकेशन को जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मुताबिक अब व्याख्याएं सरकारें कर रही हैं, वो अलग मसला है। संविधान की भावना तो अंतिम व्यक्ति तक न्याय को पहुंचाना, उसमें हमें प्रॉब्लम कहां है। मुझे ये लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर धर्म को लिया जाना चाहिए, उसके उन रूढ़ चीजों को उस सोसाइटी तक छोड़ें। और एक चीज अंतिम बात कह रहा हूं इस क्रम में, अंतिम बात, गांधी ने यह कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म पर गर्व हो और हर व्यक्ति अपने धर्म की त्रुटियों की ओर इंगित करे। वो दूसरों की ओर करेगा तो समाज में सद्भाव पैदा नहीं होगा। मैं अगर मेरे धर्म की त्रुटियों को करूं, वो ज्यादा बेहतर तरीका है आगे बढ़ने का, बजाय कि मैं किसी और धर्म पर आक्षेप करूं कि उनमें ये कमियां हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम यहां पर कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो संविधान में जब भगवान श्री रामचंद्र की तस्वीर है तो दूसरे धर्मों की क्यों नहीं है? उसमें है सर, आप मैं बताऊं, आप दोनों से मैं माफी चाहूंगी। हम शायद जो आज का जो विषय है ना स्वतंत्रता दिवस के मायने, नहीं एक जानकारी है कविता जी, एक जानकारी कि केवल राम की फोटो नहीं है, उसमें बहुत से लोगों की और बहुत से धर्मों के लोगों की फोटो है। ये संविधान की जानकारी इंपॉर्टेंट है, राम की फोटो है जी, संविधान की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी स्वतंत्रता और धर्म को डिफाइन करता है। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, दीपक जी और डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, इसमें ज्यादा विरोधाभास नहीं है। हाँ, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं वैसे। मूल धर्म के सार की, नहीं नहीं, सभी धर्मों का सार ठीक है, धर्म अलग अलग है, वही मैं कह रहा हूँ, सार ठीक है, तो सार को लीजिए। ये बात सार जी कह रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग समझे तब हम आगे बढ़ेंगे ना, हम तो वहीं पर फंसे पड़े हैं। मान नहीं कहना, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमारी जो सोच है वो यही है। हम मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगी, और ये प्रश्न दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से है। बात यह है कि एक पत्रिका अतिथि हरिजन, उसमें गांधी जी ने स्पष्ट लिखा कि आजादी का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की आजादी होनी चाहिए और आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हाल में हुए जो रिवर्स विस्थापन है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्चा हम लोग अभी पहले भी थोड़ी सी कर चुके हैं, गांधी के समय से आज का समय बदल गया। लेकिन अभी जो दीपक जी जो बात कह रहे थे, उसी बात के सामने पर मुझे लगता है कि जैसे जो बात हम धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं, वही बात गांधी के विचार के संदर्भ में भी होती है कि समय बदल जाए लेकिन कुछ चीजें शाश्वत रहती हैं, उनकी महत्ता कभी समाप्त नहीं होती, नहीं होती। अब गांधी जी ने जो बात कही, और गांधी का वो बड़ा प्रख्यात कथन कि जब तक हम कतार के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की आंख से एक आंसू भी न पहुंच दें, तब तक हमारी आजादी अपूर्ण है, तो वो जो अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सेवा न पहुंचाएं तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस कसौटी पर हमारी आज की आजादी को देखें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी जिन चीजों पर गर्व करते हैं वो गर्व बेमानी है। इसे आप मेरा राजनीतिक स्टेटमेंट मत मानिए, लेकिन मैं केवल एक उदाहरण के रूप में तत्काल मुझे याद आ रहा है, आप बुलेट ट्रेन चलाने की तो बात कर देंगे, आप स्काई स्क्रेपर बनाने की तो बात कर देंगे, लेकिन एक आदमी जिसके घर में शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है, वो अगर आपकी चिंता का विषय नहीं है तो आपकी आजादी और आपकी स्वतंत्रता क्या है? आपने जिस रिवर्स माइग्रेशन की बात की, वो मुझे लगता है कि शायद विभाजन के बाद इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी थी, और वो हमारी का जीता जागता नमूना है कि आप निश्चय ही कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और उससे निपटने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए था, कर रही है, मैं उसको कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन आप अगर 4 घंटे के नोटिस पर तालाबंदी कर देते हैं और आपके पास उन सारे लोगों के लिए खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की कोई योजना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनको सीधे भट्टी में धकेल रहे हैं ना। तो वो जिन लोगों को जाना पड़ा वो हमारी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। और आज सोच उनके बारे में क्या है, हमारे पास क्या व्यवस्था उनके लिए है? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन मामूली आदमी हमारी योजना में आज भी कहां है? आप बहुत बड़े स्कूल बना रहे हैं, आप बड़े आधुनिकतम विद्यालय बना रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं, लेकिन आप एक गांव में सामान्य व्यक्ति के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके सोच में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और उस कमी में बदलाव लाया जाना चाहिए। जी, मैं महसूस कर रही थी कि कहीं कहीं मैं सोचने को मजबूर थी कि क्या हमारा देश वाकई
विकास कर रहा है, कम से कम इस स्थिति तक तो आया कि हम सबके पास इतना है रहने के लिए, खाने के लिए। लेकिन ये जो विस्थापन था, इसने मेरी सभी धारणाओं को तिरोहित कर दिया कि करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों, कम से कम करोड़ तो थे ही जिनके पास कुछ भी नहीं था और जो सब कुछ त्याग कर जाने के लिए मजबूर हुए। तो इसने ही ये प्रश्न गढ़ा कि क्या व्यक्ति आजाद है, किन मायनों में आजाद है। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। और मैं जो प्रश्न डॉक्टर संदेश जी से करना चाहती हूँ वो ये है कि आप ग्राम स्वराज्य और स्वराज, इनके मायने बताएं। देखिए, जो स्वराज है, अब उसमें जो इंडिपेंडेंस थी एक्चुअली, कि जो गांधी के गांवों के संबंध में जो था पंचायती राज की व्यवस्था जो उन्होंने सोची, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक कंसेप्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण। अब सवाल ये कि हम अब ये कब आएगा गांवों को आप गांधी के मुताबिक बना पाए। अब जो गांधी की कल्पना है कि वहां एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए, सभागार होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, हम हमारी प्रायोरिटीज में वो है कि नहीं है, हमारी योजनाओं में वो चीजें हैं कि नहीं है। वो जो दुर्गा प्रसाद जी कह रहे थे बिल्कुल 100% सही है कि आप एक योजना चला देते हैं, मैं एक्स वाई जेड सरकार की बात नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, मैं उससे कोई मतलब नहीं। हमने एक नाम किसी का दे दिया कि ये अमुक वर्ग को है और उस उतने मात्र से हमने रख दिया, उससे गांवों तक बात नहीं पहुंच रही। आज भी आप देखें कि गांवों के और शहरों के जो जीवन के स्तर हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर। और अब तो मैं एक और ये बात कहना चाह रहा हूं कि शहर में भी एक गांव पैदा हो गए जो शहर का भी एक वर्ग पिछड़ गया, वो केवल गांव नहीं था। आप उस सिटी के एरिया को देख लो, उसकी भी कुछ कॉलोनीज आपको ऐसे मिलेंगी जो एक पिछड़ा हुआ गांव है और एक जो बहुत पॉश कॉलोनीज है। तो केवल योजनाओं के नाम रख देने से स्वराज नहीं आता, आपको वो भावना स्वराज की लानी पड़ेगी। जब बिल्कुल सही कहा कि अंतिम कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचेगी तो स्वराज का कोई अर्थ नहीं। स्वराज का मतलब केवल सत्ता का अपना होना नहीं, अपने लोगों का चुना हुआ होना नहीं है। स्वराज का अर्थ ये नहीं है कि हमने वोट डाला, हमारे लोग आ गए, अंग्रेज चले गए, अब स्वराज आ गया। स्वराज में बहुत महत्वपूर्ण है कि जन कल्याण की भावना हो और हर व्यक्ति की भावना हो, हर व्यक्ति के कल्याण की भावना हो। तो सरकारें चाहे एक्स वाई जेड कोई रही हूं, हमने नाम तो उनके रखे, लेकिन आज भी आप देखिए ये चीजें कब आगे बढ़ेंगी। हमारा अब ये जो पॉलिसी आई एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी वही टारगेट है कि एजुकेशन का बजट 6% रखेंगे। जब तक आप एजुकेशन को सेंटर में नहीं लाएंगे, जब तक आप उस तरह के रोजगारों के बढ़ावे की बात नहीं करेंगे, तब तक वहां डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है और गांधी के मुताबिक तो कतई भी पॉसिबल नहीं। तो स्वराज के लिए आपको भावना बहुत महत्वपूर्ण रखनी पड़ेगी, जन कल्याण की, सर्व कल्याण की। केवल कुछ लोगों के विकास से पूरे देश का विकास नहीं हुआ, तो गांवों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रावधान रखने पड़ेंगे, उनको प्रायोरिटीज में लाना पड़ेगा। जी दीपक जी, आप जब इसी विषय पे आगे बोलना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पकड़ा रही हूँ। आप ये देखिए कि भारत के गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, स्थानीय नगर निकाय है, तो ये लोग, ये जो निकाय हैं, ये कृषि, उद्यम, शिक्षा, रोजगार, कर व्यवस्था के संचालन आदि में इनकी कितनी तो स्वतंत्रता है और ये कितने बंधे हुए हैं। देखिए बिल्कुल कविता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरह अग्रवाल साहब और डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, लेकिन उन योजनाओं का जमीनी हकीकत तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है, वो कागजों की कागजों में ही धरी की धरी रह जाती है। इसमें बहुत से कारण है कि जब सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो गरीबों के लिए और वो किसानों के लिए, शिक्षक लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन वो जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है उस तक नहीं पहुंच पाती। इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी मानता हूं, जो मैं अग्रवाल साहब से भी इसका जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छी बात कही थी। जब लॉकडाउन किया गया था अचानक 4 घंटे के अंदर कहते ही, उसके बाद गरीबों तक सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने अपने हिसाब से खाने की व्यवस्था भी की थी और उनके घरों तक खाना भी पहुंचाया था। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब यहां पर कोई दे दीजिए कि जब उनके पास पैसा नहीं था खाने के लिए, उनका रोजगार चला गया था, गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे, उनके पास एक वक्त खाने की का पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी, उनके पास अनाज नहीं था, सरकार ने उनको दिया, उसके बाद जब शराब की दुकानें खुली तब वही लोग लंबी लंबी कतारों पर खड़े रहे थे। उसके लिए भी आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल साहब बड़े साहित्यकार हैं, आप जैसे सारे लोग कवि हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए सामाजिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। दीपक जी, वो जो शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी कतार थी, क्या हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी है
कि उन कतारों में वे ही लोग खड़े थे जिनके पास खाने को नहीं था, या उन कतारों में मैं खड़ा था, ये सीधे सीधे उन पर इल्जाम लगा देना बड़ी, मुझे लगता है कि इसमें कितने लोग लगे थे सर, जितने मैं जितने पास खाने को नहीं हूँ वो उनको नहीं, ये बात सही है, खाने के पैसे नहीं थे लेकिन शराब पीने के लिए पैसा है। जितने लोग खाने की कतार में थे क्या उतने शराब की कतार में थे, ये तो आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि उतने शायद लोग थे, उतने शहर थे, उतने नहीं थे सर, उतने नहीं थे। अपन सरकारों को दोष दे रहे हैं, अपन सरकार सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए, बोलना चाहूंगा, अपन सरकारों को दोष दे रहे हैं। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी का मेला भरता है और एक महीने तक जयपुर से लेकर खाटू श्याम जी तक इतने भंडारे लगते हैं, करोड़ों लोग भोजन करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल के दौरान जब मजदूर विस्थापित हो गए तो किसी भी गांव में ये भंडारे नहीं लगे। धर्म के नाम पे भंडारे लगाते हैं लेकिन गरीबों के नाम पे भंडारे नहीं लगे। लोगों ने अस्पताल बंद कर दिए, मैं चिकित्सक हूँ लेकिन मैंने देखा कोरोना में लोगों ने अस्पताल बंद कर दिए। मेरे कोरोना हुआ है, अभी मैं कोरोना से सफर कर रहा हूँ लेकिन मैंने अस्पताल बंद नहीं किया, हमने गरीबों को कहा इलाज हम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार पे दोष देने से काम नहीं चलेगा। लोगों ने भोजन का संचय किया, कच्चे भोजन का संचय किया, पांच पांच जगह से सामान लिया, ये भी सत्य है। शराब की दुकानों पे भी खड़े हुए, ये भी सत्य है। रेशो गड़बड़ है लेकिन आप देखिए गाँव में जो विकास बिगड़ा है उसमें आप देखिए कि ज्यादा करप्शन है। सरकार की मॉनिटरिंग खराब हो सकती है लेकिन मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैंने देखा पंचायत के स्तर पर, वार्ड पंच के स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पे, मनरेगा में जितना घोटाला है, जितना भ्रष्टाचार है, जो 100 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में बन, और पूरा गांव चुप बैठा है, सब लोग चुप बैठे हैं। सरकार कैसे मॉनिटर करेगी, मुख्यमंत्री कैसे मॉनिटर, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है ना सर, बनती है लेकिन वो मॉनिटरिंग सरकार को स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि स्वराज तो हमने दे दिया, पंचायतों को अधिकार दे दिया लेकिन एक तरफ अगर कोई पटवारी या कोई कांस्टेबल 1,000 रुपए या 500 रुपए पकड़ लिया जाता है लेकिन 500 करोड़ का अगर कोई घोटाला करता है तो वो गोलियां में घूम रहा है। हम विषय से भटक रहे हैं, मेरा भोजन जो गरीबों को मिलना चाहिए, गरीब को सहायता देनी चाहिए। हर गांव से, एक गांव में 1,000 आदमी है, उस गांव में 20 आदमियों ने पलायन किया, एक शहर में 20,000 आदमी है उसमें से 1,000 आदमियों ने पलायन किया, तो 19,000 आदमियों में कोई तो भोजन की व्यवस्था करता, कोई तो उनको रोकता। हमने सामाजिक स्तर पे काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, उतना हम नहीं कर पाए, हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, मेरा ये कहना जिम्मेदार है। लेकिन बात प्रश्न ये था, आपकी बात सही है कि बहुत पलायन हुआ और धर्म के नाम पर तो खाना बहुत मिलता है, जगह जगह भंडारे बनते हैं लेकिन इस वक्त जब बहुत जरूरत थी तब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत नहीं हुआ। पर बात ये है कि जो शराब की लाइन में जो खड़े थे ना, अगर वो गरीब गुरबा भी था तो अगर मुझे जरूरत थी तो मैंने मेरी बाई जी के हस्बैंड को पैसे दिए, जा वहां से ले आ। बात यह थी, हमको इन सबको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, हम हमारे समाज की अच्छाई और बुराई और उनके रास्तों को रेखांकित करना चाहते हैं जो कि हम रास्ता निकाल सकें, है ना। पीड़ा में इतना डूबा हुआ है, प्रश्न तो चारा भी नहीं, वो पीड़ा में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि अपने गमों को भुलाने के लिए रोटी छोड़ के शराब पीता है, ये भी सत्य है। सबसे बड़ी बात कविता जी ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह जैसा जो बेटा है वो पड़ोस में पैदा हो, हमारे यहाँ पे पैदा नहीं हो। हमें सबसे पहले अपने आप पर सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम शुरुआत कैसे करें समाज को बदलने की, लोगों को बदलने की। कहते हैं कि भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है, ये तो पत्थर है मनाने की जरूरत क्या है, अपने कदमों पे भरोसा तो करो हमदम, साथ चलने को जमाने की जरूरत क्या है। इसलिए हमको अपने कदमों पर भरोसा करके समाज को एक नई दिशा देनी पड़ेगी और हम जो मानसिक रूप से जो गुलाम बने हुए उस मानसिकता को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज भी चाहे वो, मैं खुद पत्रकार हूं, चाहे आप पत्रकारों की बात कर लें, चाहे आप साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, वो भी उसी तरह से लिखते हैं जिससे कि उनको कुछ सरकारों से या दूसरे लोगों से फायदा हो। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की सोच जो है वो हमको बदलनी चाहिए और हमें निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को सबके सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि हम अगर सच बात कहें तो उससे सरकार भी नाराज हो सकती है, उससे दूसरे समाज के लोग भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमको हमारी जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको पटल पर रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम इस गुलामी से आजाद हो पाएंगे। आप सही बोल रहे हैं लेकिन यह सारी बातें एक व्यक्ति इंडिविजुअल को लागू होती है, जबकि प्रश्न यह था कि ग्राम
या ग्राम पंचायत जो है वो अपनी शिक्षा का क्या देखभाल कर पाता है, या वो अपने उद्योग या अपने रोजगार या कर व्यवस्था को क्या देखभाल कर पा रहा है, क्या उसके पास इतनी शक्तियां हैं या नहीं है, क्यों गांव जो है आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है, प्रश्न यह था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर साहब दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से बात करना चाहूंगी कि आर्थिक उदारवाद को यानी कि 1991 आज तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, भारत की आर्थिक यह जो उदारवादी थी आर्थिक उदारवाद जो था ये भारत की आर्थिक गुलामी का वाहक बन गया, या आज हम वैश्विक बाजार में खड़े हो पा रहे हैं इस बात में वो हमको सक्षम बना पा रहा है। कविता जी आपका प्रश्न तो बहुत ही तीखा उचित है, लेकिन मेरा इस बारे में सोच यह है कि सारी दुनिया में जो कुछ होता है आप उससे अछूते नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जो आर्थिक उदारवाद है वो चाहे गांधी के और हमारे सोच के विरुद्ध जाए, लेकिन दुनिया की जो रवायत है, दुनिया की जो स्थितियां हैं, आप उससे अलग एक टापू बनाकर नहीं रह सकते। उस वक्त इन लोगों ने भी इस आर्थिक उदारवाद को स्वीकार किया, ये उनकी मजबूरी थी, और ये हम पर निर्भर करता है कि उस आर्थिक उदारवाद से हम कैसे लाभान्वित। मैं बार बार ये सोचता हूं कि क्या कारण है कि चीन दुनिया भर के सारे उत्पाद बनाता है, सारी दुनिया के बाजार पर छाया रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ वही स्थितियां हैं, हमारे यहाँ भी उतना ही मानवीय श्रम उपलब्ध है, हमारे यहाँ भी उतने ही संसाधन है, लेकिन हम लोग पिछड़े रहते हैं। तो यहाँ उस अवसर का उपभोग करने की हमारी अक्षमता सामने आती है। आर्थिक उदारवाद में हमें जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दी है, हमें सारी दुनिया से जुड़ने का मौका दिया है, हमें दुनिया की सारी प्रगति से लाभान्वित होने का मौका दिया है, और हमें ये भी मौका दिया है कि हम उस प्रगति में हिस्सेदार बने। वो जो Y2K वाला जमाना याद कीजिए, ये आज अगर अमेरिका की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भारतीयों का इतना दबदबा है तब तो हमें आर्थिक उदारवाद से कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल आकर यहाँ सामान बेचता है तो हमें कष्ट होता है कि उसका सामान हम क्यों खरीद रहे हैं। तो हमारा सामान बाहर जाकर बिकेगा तो बाहर का सामान भी यहाँ आकर बिकेगा, और आप नहीं रोक सकते, ये दो तरफा कार्रवाई है। इसलिए आर्थिक उदारवाद, मुझे अपने प्रिय कथाकार स्वयं प्रकाश का एक कथन याद आता है, उन्होंने तो एक दूसरे संदर्भ में कहा था, जब भारत में टेलीविजन नया नया आया था तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा लेख लिखा था, उसका शीर्षक था वो जाने के लिए नहीं आया है। और आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि टेलीविजन को आप हम लोगों ने आप लोगों से थोड़ा सा उम्र में ज्यादा हूँ, हम लोगों ने बड़ी गालियां दी थी कि टेलीविजन आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन उदारवाद आपकी जिंदगी में आया है और आकर रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आज आप गांधी की तरह ग्राम स्वराज्य को लेकर नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही आत्मनिर्भर हूं, मैं बाहर की किसी चीज का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम नारे तो बहुत देते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हम उससे लाभान्वित हों और हम उससे अपना फायदा उठा सकें। आर्थिक उदारवाद से मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत अपने आप से है कि हम लोगों ने उसका लाभ नहीं उठाया है, अब भी ये मौका है कि हम लोग लाभ उठा लें। अब क्या कारण है कि इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भारतीयों का इतना दबदबा है लेकिन हम लोग अपने यहाँ वो सारे काम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हम चीन से बिजली की छोटी छोटी झालर मंगवाते हैं, हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे पास क्या कमी है? कभी इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि आर्थिक उदारवाद से कोई शिकायत करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आज मैंने अखबार में एक आर्टिकल इसी भी उसमें बाबत पढ़ा कि जब आर्थिक उदारवाद आया था उस समय हमारे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो $1 से भी कम थी, और आज वो करीब $4.5-5 के आसपास हो गया। तो ये जो है आर्थिक उदारवाद का उजला पक्ष है, हम लोगों को उसने सक्षम किया कि हम अपने अपने घर में या अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सके। और उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ था कि महाराष्ट्र के खाना और साउथ का इडली डोसा और उत्तर भारत का छोले भटूरे और राजस्थान के इडली बाटी, ये सब को बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, लेकिन अब हम संतुष्टि के लेवल पे आ गए हैं और अब हम इससे बेहतर उदारवाद चाहते हैं, बेहतर उद्यमिता नहीं चाह रहे। आप जो कह रहे हैं कि दिवाली के समय झालर, वो झालर भी और गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी, तो चटाई वो क्या बोलते हैं लटाई और वो पतंग के धागे भी सब चाइना से आ रहे हैं, हम इतना भी नहीं बना। उद्यमिता की कमी रही कहीं पे, ये कहीं सामाजिक और आर्थिक रीजंस आपस में मिक्स हो रहे हैं।
दुर्गा प्रसाद जी ने ठीक कहा, दुर्गा प्रसाद जी ने ठीक कहा कि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, यानी कुछ कुछ घरों में अभी अंधेरा है, लेकिन इसके लिए सूरज दोषी नहीं है, हमारे रोशनदान बंद कर, सरकारी नीतियां नहीं आती बीच में, सरकारी नीतियां बीच में नहीं है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे उनका, हम उसका उपयोग नहीं, नहीं उसमें उसमें कुछ चीजें हैं कविता जो मुझे लगा कि दुर्गा जी जो अभी बात कह रहे थे, बिल्कुल हम इस उदारवाद के बाद ट्रेडर्स बने, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बने, हम अब भी क्या, हम ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री हमारे यहाँ कहाँ डेवलप हुई है, आप देखें कि चाहे अब उसके लिए, अब मैं ये कह दूं कि उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं जिम्मेदार हूं, अगर मुझे आप उस तरह की फैसिलिटीज दोगे, उतना बढ़ावा दोगे, तो मैं उस व्यवस्था का लाभ उठा पाऊंगा, हिंदुस्तान में आम आदमी इंडस्ट्री लगाने की योग्यता नहीं रखता, उसमें वो चुनिंदा लोगों के पास वो सुविधा है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लेवल से निकल के वो अब भी क्या कर रहा है, हम चीन से सामान खरीद के यहां बेच रहे हैं, हमने केवल यहां से खरीदा वहां बेच दिया, हमारे यहां जॉब कहां जनरेट हुआ, हमारे यहां इंडस्ट्री कहां जनरेट हुई, तो इसलिए उदारवाद की गलती नहीं है, अब कहीं ना कहीं वो आपको उस इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा, वो आपको पॉलिसीज उस तरह की देनी पड़ेंगी ताकि हम उसका लाभ भी उठा पाए, अब उसमें हम कितने कामयाब रहे ये तो बेटर डेटा के बाद पता चले, लेकिन एक आम तौर पर ये कहा जा सकता है कि उस तरह का माहौल हमारे यहाँ, आम आदमी अब भी बहुत सारी जो एक्सेप्टेंसेज हैं, जो परमिशंस हैं, उनको लेने से कतराता है कि बेटर है कि यहाँ जाओ और यहाँ से लेके आप बेच दो, तो वो व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी, बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, असल में ये मामला जैसा बजरंग सोनी जी कह रहे थे सरकारी नीतियों का भी है कि उन लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई ही नहीं कि इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमोस्फियर बन पाए, और यही कारण है कि इंडस्ट्री तो विकसित नहीं हुई, लेकिन ये जो ट्रेडर वाला काम है ये अधिकांश काम दो नंबर का है, जो सरकारी तंत्र को बाईपास करके आ रहा है और वो फल फूल रहा है, लेकिन जहां सरकारी तंत्र के दरवाजे से गुजरना है वहां अवरोध ही अवरोध है, और इसलिए सबसे बड़ी गलती सर हम लोगों की भी ये है कि हमको सस्ता और सुंदर सामान जो है वो चाइना से मिल जाता है, तो हम क्यों मेहनत करें, जब हमको सस्ते में 10 रुपए की चीज, गलती कैसे है, जब हमको 2 रुपए में मिल जाती है तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे, तो हमें खुद को मेहनत करनी चाहिए उसके लिए, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो खुद अपने आत्मनिर्भर होकर हमको तैयार कर, अर्थशास्त्र के सवाल सवाल ये भी है कि चाइना में सस्ता क्यों मिल जाता है, चाइना में सस्ता क्यों मिल रहा है, वहां भी तो पहुंचेंगे आप, जानकारी ऐड करना चाहूंगा, तेलंगाना राज्य जब बना तो वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करी कि किस तरह से तेलंगाना के अंदर उद्योग को डेवलप किया जाना है, तो सारी शिकायतें आम उसकी उद्यमी की होती है, उनको बाईपास करके सिस्टम को बहुत साफ सुथरा उन्होंने किया, और उसके परिणाम उनको मिले भी कि तेलंगाना में उन्होंने बहुत जल्दी से उद्योग स्थापित किए, ये बड़ा अच्छा कदम तेलंगाना सरकार ने उठाया जी, बहुत बहुत अच्छा यही है, जिस तरह से पहले पीपीई किट भारत में बन ही नहीं रहे थे, लेकिन जब इतनी आपदा आई तो भारत में लाखों पीपीई किट आज की तारीख बन रहे, तो हम करना नहीं चाह रहे, अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, और पूरे विश्व को हम एक बार फिर पछाड़ कर सोने की चिड़िया बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वेंटिलेटर पहले यहाँ से नहीं आ रहे थे, सारे चाइना से बनकर आए थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में तैयार हो रहे हैं, पीपीई किट की बात करें वो भी हमारे देश में तैयार, तो हम ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में तैयार नहीं कर सकते, पहले जो युद्ध के लिए जो सामान था वो विदेशों से था, अब अधिकतर हम यही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए सरकार की कुछ मदद की भी जरूरत है, हमें समाज की भी जरूरत है, जब मिलकर हम करेंगे, क्योंकि आज अगर मान लीजिए मैं कोई उद्योग खोलना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे पहले पैसा खिलाना पड़ेगा, मुझे सरकारी तंत्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे एक एप्लीकेशन के साथ में 2000 रुपए का नोट उस एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा, तब मेरी एप्लीकेशन की सुनवाई होगी, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सरकार को पूरी तरह से नजर बनाए रखनी चाहिए कि कहां पर गलत काम हो रहा है और कहां तक सही काम हो रहा है, और ऐसे लोगों को हमेशा आगे आना चाहिए और मुखर होकर अपनी बात को मंच तक या सरकार तक रखना चाहिए, तब जाकर हम उद्योगों के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और यहाँ पे मुझे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी की कल कही एक बात याद आती है, उन्होंने बहुत अच्छा छोटा सा एग्जांपल दिया था कि उनकी पुत्री व दामाद की शादी का विवाह का सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना था, और यहाँ पे जब उन्होंने बात की आगे बढ़ाई
तो वो मामला 6-7 साल तक टल ही गया क्योंकि वो अमेरिका से नहीं आ सकता था दंपति, और वहां भी जब उन्होंने अप्लाई किया तो मुश्किल से 15 मिनट लगे और सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये जो सरकारी नीतियां हैं, हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं वो अलग बात है कि हमारे अंदर दमखम क्यों नहीं है, हमारे अंदर इच्छा क्यों नहीं है। आज की तारीख में अगर भारत पीपीई किट बाहर से चाइना से मंगवाता है तो मैं प्रोड्यूस करके भी वेस्ट जाऊंगी, असफल हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। तो यानी कि मेरे डिमांड भी बनी रहनी चाहिए, उसके लिए सरकारी नीतियों में अंतर आने ही चाहिए। बात यहाँ थी। खैर, अब जब बात हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपने बच्चों की पीढ़ियों की या हम पीढ़ियां जो हम इतने समय से पीढ़ियां आते रहे, इनकी शिक्षा के ऊपर बात आती है कि हमारे में उद्यमिता क्यों नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न करना चाहूंगी और हम सबके लिए ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी हो। सन 1947 के बाद भी हम मैकाले की शिक्षा नीति से क्या निजात ले पाए? क्या आज भी वैसी ही शिक्षा नीति चल रही है? संदेश त्यागी जी, आप पहले बताएं। जी मैं बताऊं, जो आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अब जो शिक्षा की एक इम्पोर्टेंस है इस देश में कितनी, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 68 में शायद पहली वो आती है शिक्षा पॉलिसी, दूसरी 82 में आती है, कुछ अमेंडमेंट होता है 86 में, और उसके बाद ही अब आती है। ये हमारी एक प्रायोरिटी है कि हम एजुकेशन को कितना अपडेट करना चाह रहे हैं, कितना हम उस पर, अब भी हम इतने साल हो गए। और ये कोई एक चीज और जो मैं आपसे जोड़ दूं कि अब एक बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म इस पॉलिसी को लेकर के हो गया कि अब देश बदल जाएगा, अब इकोनॉमिक पॉलिसी, ये एजुकेशन पॉलिसी आ गई। ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको जितनी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी इसमें लागू, उनके लिए आपको एक्ट अलग बनाने पड़ेंगे। इसलिए अगर हम ये सोचे कि इस एजुकेशन पॉलिसी से एक आदर्श एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा, उसकी संभावना ना के बराबर। दूसरी बात मैं ये कहूं कि अब भी हमारा टारगेट 6% का है, जो और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 10% तक, 8%, 9% तक पहुंच गए। हमारा टारगेट 6% का है और ये अब का नहीं है, ये पिछले 60 साल का 6% का ही है। होगा नहीं होगा ये अलग मसला। अब जो हम बात कर रहे हैं कि कैसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, मैं इस पॉलिसी की बहुत सी चीजों से सहमत हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी चाहिए। उसमें आपको फ्रीडम बहुत मिल गई कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप पर पाबंदी नहीं है, आप किसी सब्जेक्ट के साथ कोई भी पढ़ सकते हैं, आप एक उसमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप सवाल नहीं पूछने देंगे तो क्रिएटिव कैसे बनेगा? अगर हम वो माहौल क्रिएट नहीं कर रहे, अगर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं तो मुझ पर एक आक्षेप कर दिया जाता है और फलानी जगह चले जाओ, यहां आपको नहीं रहना, तो ऐसे में जब सवाल पूछने को हतोत्साहित किया जा रहा हो तो आप कोई भी सिस्टम ले आए, वेदर इट इज मैकाले, वेदर इट इज दिस अपडेटेड सिस्टम, उसकी कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। जो बातें ऑन पेपर हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनको होना चाहिए, वो अगर होती है तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाती है पूरी की पूरी, हमारा टारगेट क्रिएटिव होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेशन उसका होना चाहिए, जो निरर्थक सी चीजें थी वो खत्म होनी चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसमें मुझे संशय है, क्योंकि वो हम जो बात करते हैं उन पर हम खरा कितना उतरते हैं, ये हमारा इतिहास इस मामले में ठीक किसी भी सरकार का नहीं है, केवल XYZ की बात नहीं है, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ है नहीं। इसलिए मुझे बहुत उम्मीदें इससे भी नहीं है। आदर्श क्या होना चाहिए ये बिल्कुल सही है, जो इसमें लिखा है या किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है, क्वालिटी हो, वो आदर्श वही है। अब कितने पहुंच पाएंगे ये बेटर बताएंगे मुझसे सर बैठे हैं वरिष्ठतम लोग। मेरा अनुभव इतना है कि जितना मैंने देखा हम लिख देते हैं, करते कुछ नहीं। संदेश जी बोल रहे हैं कि शिक्षा नीति बहुत अच्छी है लेकिन इसके किसी भी बिंदु को क्रियान्वित करने के लिए नए एक्ट बनाए जाने चाहिए, यानी कि चाहेंगे चाहिए भी नहीं, पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे भी, लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं, तो इसका मतलब अभी तो काम करना बाकी है, हम उसके पहले जश्न मनाने लग गए, अभी केवल घोषणा है। मैं एक लीगल पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ कि ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। ऐसा नहीं कि 2020 से आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, जो इसके प्रावधान आप लागू करना चाहेंगे उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। तो दुर्गा प्रसाद जी, आप ये बताएं कि मैकाले की जो रणनीति थी, शिक्षा नीति थी, उससे हम कितना अलग हो पाए हैं, क्या क्या था ऐसा उसको हम रेखांकित करेंगे, ये था और अब ऐसा नहीं है और ये बेहतर है, ऐसा क्या है? कविता जी ये सवाल बहुत देर से मेरे मन में भी घूम रहा है। जब मैं पढ़ता था तब से मैं ये सुन रहा हूँ कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, और मैंने कई बार तलाश करने का भी प्रयास किया, मैं तो कोई खास चीज ढूंढ नहीं पाया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के वो 5 बिंदु कौन से हैं
जिनसे हम असहमत हैं और जो आज नहीं होने चाहिए, सिवाय एक बात के, एक कथन जो बार बार उद्धृत किया जाता है कि हमें पढ़े लिखे भारतीयों की एक ऐसी जमात पैदा करनी है जो शरीर से भले ही भारतीय हो मन से अंग्रेज हो। इस एक कथन के अलावा मैकाले की शिक्षा पद्धति में क्या बुराई है, मुझे तो जानकारी नहीं है, हो सकता है ये मेरा अज्ञान हो। अभी संदेश त्यागी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि नीति तो सभी अच्छी होती है, सारी गड़बड़ तो उसके क्रियान्वयन में होती है। तो अगर मैकाले की शिक्षा पद्धति खराब थी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे शीर्षस्थ लोग उस शिक्षा पद्धति से निकले हुए हैं वो क्यों शीर्षस्थ हैं, क्यों उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ ली, क्यों उन्होंने बड़े बड़े मुकदमे लड़ लिए, क्यों विश्वेश्वरैया हो गए, क्यों नेहरू हो गए, क्यों मौलाना आजाद हो गए, क्यों वी के कृष्णा मेनन हो गए, वो सारे उसी शिक्षा पद्धति की देन थे। दूसरा, आपको किसने रोका है कि आप अपनी शिक्षा पद्धति न बना लें? 47 में देश आजाद हुआ, 50 में हमारा संविधान बना, उसके बाद अगर 2020 में भी हम आज मैकाले शिक्षा पद्धति का ही रोना रो रहे हैं तो हम लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया? क्या हमने अपनी कोई शिक्षा पद्धति नहीं बनाई? पर इसका जवाब भी मेरे पास है, पद्धति सिद्धांत आदर्श, इसमें हमारा कोई जवाब नहीं है। हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसके बाद अब तो हमारे पास प्रचार तंत्र भी है, विज्ञापन करने के लिए भी हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए हम अपनी डपली भी खूब जोर से बजा सकते हैं जो कि हम लोग बराबर इतने वर्षों में सारी सरकारों ने बजाई है, बस वो ढोल की आवाज जरा तेज होती जा रही है, इतना ही फर्क पड़ा है, वरना ढोल पहले भी बजाए गए हैं, अब भी बजाए जाए। मेरा देखिए ये कहना है कि जब तक आप जमीनी यथार्थ को नहीं बदलेंगे कोई मतलब नहीं है। मैं राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा में रहा और नौकरी के अंतिम 3 वर्षों में प्रशासनिक हैसियत थी तो उस तंत्र को बहुत नजदीक से भी मैंने देखा। अब भी क्योंकि मैं लिखता हूं तो मैं बहुत सारी चीजों की पड़ताल करता रहता हूं, दीपक जी जैसा जाना माना पत्रकार तो मैं नहीं हूं लेकिन थोड़ी बहुत पत्रकारिता मैं कर लेता हूं, कुछ राष्ट्रदूत में संपादकीय हर सप्ताह लिखता हूं, तो इस बहाने सर आपसे ही हम लोग सीख रहे हैं, सर आपसे ही सीख रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो एक छोटा सा अध्यापक रहा हूं और कुछ भी नहीं, आप जैसे वरिष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्ति होती है। लेकिन मैं ये देखता हूं राजस्थान में, देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कुल 150 के आसपास हैं, उनमें 5,000 पद हैं लेक्चरर्स के, जिसको आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, उनमें से 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं। 2003 में जब मैं रिटायर हुआ था तब भी 50% पद खाली थे, आज भी 50% पद खाली हैं। अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने घोषणा की इतने नए कॉलेज और खोले जाएंगे और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनके लिए नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप टीचर को नहीं दे रहे हैं, आधे पद खाली पड़े हैं और बस ठीक है कॉलेज खोल दिए आपने, आप पैसा तो उसमें खूब सारा डाले जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं, लेकिन बिना अध्यापक के, बिना लाइब्रेरी के, बिना खेल के मैदान के आप कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं? अब आप इसके लिए मैकाले को दोष मत दीजिए, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। और यही मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं, वो सारी बात शायद आपकी बात का सार भी यहां आ जाता है। मुझे लगता है आजादी के बाद की जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है वो हुई है राजनीति और आम आदमी के बीच की बढ़ती हुई दूरी। हम दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है कि राजनीति वालों का सोच और उनकी कार्यनीति बिल्कुल अलग है, हमारी जरूरत हमारी अपेक्षाएं वो बिल्कुल अलग है और इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। वो ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर मीट, वो वाली स्थिति है। राजनेताओं का क्या हित है, वो कभी मानेसर में चले जाएंगे, कभी सूर्यगढ़ में चले जाएंगे, उनके सारे हित वहां हैं। और ये मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दल यही सभी की है। और हम लोग उसी तरह से भूखे मरते रहेंगे, हमारे बच्चे उसी तरह सरकारी स्कूल में जाकर सुबह जाकर शाम को लौट आया करेंगे और हम लोग नारे दे दिया करेंगे कि इनको मिड डे मील मिल रहा है, इनको ये हो रहा है, इस साल परीक्षा नहीं होगी, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। पाठ्यक्रम का बदलाव होगा तो हम केवल इतना करेंगे कि अकबर महान है या महाराणा प्रताप महान है या सावरकर महान है, हमारा सारा झगड़ा इस बात पर केंद्रित रहेगा, लेकिन वो कुछ करने काबिल बने ये हमारी शिक्षा नीति कभी नहीं करेगी, अब तक तो नहीं किया है। अब इस शिक्षा नीति से कुछ चमत्कार हो जाए तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी। कविता जी,
कविता जी, मैं यहाँ पर जैसा कि आपका सवाल था उसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा पद्धति की हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति में वर्तमान में कमी नजर आ रही है, मुझे लगता है कि हमारी जो सालों साल पुरानी जो परंपरा थी गुरुकुल परंपरा, जिसमें हम 5 साल से 8 साल तक का जो बच्चा होता था उसको पहले हम धर्म की शिक्षा देते थे, हमारी संस्कृति की शिक्षा देते थे और एक इंसान बेहतर इंसान बनने की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हम उसको भौतिक ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाने की कोई भी बात नहीं करता है। जब 1857 में मैकॉले हम सब कर रहे हैं, जब वो आया था भारत और उन्हें पूरी जगह भारत में भ्रमण करके देखा था, तो उसने कहा यहाँ पर कोई दुखी है ही नहीं, यहाँ पर सभी सुखी है, क्योंकि सभी के पास धर्म का ज्ञान था, सभी के पास उनकी संस्कृति उनकी परंपराओं का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा भारत को अगर सोने की चिड़िया से तोड़ना है तो पहले इस शिक्षा नीति को हटाना होगा, इसलिए उन्होंने इस शिक्षा पद्धति को परिवर्तित किया। और आज भी हम जब आज भी अगर किसी के बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बेहतर इंसान नहीं बनाता, उसको अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को नहीं सिखाता, उसको ये सिखाता है कि ये करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता है। और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो उन्हीं माँ बाप को छोड़कर वो विदेशों में चला जाता है करोड़ों रुपए कमाने के लिए, और माता पिता यहाँ पर उसकी राह देखते रहते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, लेकिन उनका बेटा ये कहता है कि मैं 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देता हूं और आप ठीक हो जाइए। भैया आज की तारीख में उसको आपकी जरूरत है, उसको अपने बेटे की जरूरत है उसके पास, और इस शिक्षा पद्धति कर हम तभी परिवर्तन पा सकते हैं जब हम हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं और हमारे धर्म का जो ज्ञान है वो अपने अंदर शुरुआत करें, उसको ग्रहण करें, उसके बाद जब हम बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आप वैसे भी करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हो। यहाँ पर जो जरूरत है वो यही है कि हमको हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति को ना भूलते हुए आगे की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। कविता जी, एक बात अगर इजाजत दे एक चीज मैं करूं, उदाहरण देखिएगा बिल्कुल सही है कि अब जैसे कुछ सिलेबस कम किया गया सीबीएसई स्कूल्स में, उसमें फेडरलिज्म खत्म कर दिया गया, अब हम उस शिक्षा पद्धति को कहां ले जा रहे हैं। दूसरा, मुझे दीपक जी की बात बिल्कुल सही लगी और मैं एक बात जोड़ दूं, विवेकानंद ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, उन्होंने कहा मैं धर्म सीखने नहीं आया, हिंदुस्तान को धर्म की आवश्यकता नहीं है, विज्ञान की आवश्यकता है, उसमें आप एक्सपर्ट हो वो हमें आप पहुंचाओ। तो दोनों चीजों का तालमेल बनाना पड़ेगा, केवल गुरुकुल सिस्टम में और धोती और लंगोट बांध के हम सोचें कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और उसके लिए आपको घर से भी वो कोशिश करनी पड़ती है, वो ठीक है। और किसी भी पद्धति में ऐसा नहीं था कि संस्कार नहीं पढ़ाए गए, हम मैकाले सिस्टम से पढ़ के आए, हितोपदेश एटसेट्रा कविताएं हैं कहानियां हैं जो छोटी छोटी कथा, वो हमें यहीं से मिली। अब कहीं ना कहीं वो चैप्टर्स में एसएसटीज में किसी में डायरेक्ट धर्म की शिक्षा नहीं होती, उसके मूल तत्वों की उस नैतिकता की वो किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी रूप में होती भी, ऐसा नहीं कि इस पद्धति में वो है नहीं। एक छोटी सी बात थोड़ा भी इसमें जोड़ दूं, एक मैं ऐड करना चाहूंगा कविता जी। जी जी बजरंग जी, दुर्गा प्रसाद जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैकाले की शिक्षा से दुर्गा प्रसाद अग्रवाल भी बने हैं, बजरंग सोनी भी बने, कविता मुखर भी बने जी। मैं भी वर्षों से सोच रहा था कि मैकाले की शिक्षा है क्या ही, लेकिन सवाल ये नहीं है, हमारे बचपन के दिन याद आते हैं, हमारे शिक्षक जो होते थे बड़े जातिवादी सूचक शब्द बोलते थे, गालियां देते थे, लेकिन उनके मनोभाव ऐसे नहीं होते थे। आजकल के शिक्षक सभ्य हैं, जातिवादी नहीं बोलते, लेकिन जातिवादी जहर में वो ज्यादा घुले हुए हैं। हमारे शिक्षक जो थे ब्राह्मण जाट बुरी तरह से बोलते थे, लेकिन उनके मनोभाव जो थे वो खाली बोलने तक ही रहते थे, शिक्षा देने में और जो कुछ उनके पास था उसको बहुत ढंग से पढ़ाया जाता था। आज हालत यह है, मेरे भाई साहब कॉलेज में लेक्चरर थे तो बड़े गर्व से कहते थे कि मैं फला कॉलेज ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी वर्तमान में पीजी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। उस समय एक जिले में मुश्किल से एक पीजी कॉलेज बाकी था, आज हालत यह है कि एक कस्बे में 3 पीजी कॉलेज होती है, यानी इतनी यूनिवर्सिटी हो गई, भौतिक विस्तार तो हो गया, लेकिन हमारा शिक्षा का जो मूल चीज थी, जो पढ़ाया जाना चाहिए था, जो सिखाया जाना चाहिए था, वो आज भी नहीं हो रहा। और उसका नतीजा यह है कि हम सिस्टम को दोष देते हैं, मैकाले का सिस्टम गलत था, वो सिस्टम गलत था, जो भी सिस्टम लागू किया उसको पढ़ाने का उसको गढ़ने का समझाने का तरीका गलत होता चला गया और हम केवल अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। हमारे जमाने में लाइब्रेरियां चलती थी स्कूलों में, अब लाइब्रेरियां बंद है, किताबों का पता ही नहीं है किताबें क्या होती। बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे एक बात समझ पाई थी, प्रार्थना के अंदर प्रिंसिपल जब भाषण देते थे तो मेरे को याद नहीं आता कि हमने कभी किसी शिक्षक के बारे में ऐसा सोचा हो कि शिक्षक झूठ बोल रहा है। हम सोचते थे हमारे प्रिंसिपल साहब जो बोल रहे हैं बस वो भगवान राम की तरह, उससे बढ़िया चीज
धरती पे कोई है ही नहीं, ऐसा हमारा विश्वास। बिल्कुल, लेकिन आज जब प्रिंसिपल हमें इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, आने वाला जो प्रिंसिपल है, एक सेकंड, कि जो प्रिंसिपल आ रहा है, हमें आते ही पहले दिन पता लग जाता है कि ये प्रिंसिपल तो चोर है, मक्कार है, भ्रष्ट है, उसके आने से पहले ही हमारी अवधारणाएं उनके पास पहले पहुंच जाती है। तो हमारी ग्रह मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा जो है, किताबें जो है, मार्क्स जो है, प्रणाली जो है, वो आपको शिक्षित शिक्षित कर रही है, आपका व्यक्तित्व कुंठित होता जा रहा है। शायद ये बात है जो कि शिक्षकों के, गुरुओं के, या घर के माहौल के, या टीवी के, या सेलफोन के, या जो परिवेश है, या बाजारवाद है, वो हमको अन्य रास्ते पे लेके जा रहा है, और शिक्षा जो है वो हमको डॉलर कमाने, पैसा कमाने के लिए लेके जा रही है। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। कविता जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सब लोग शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शिक्षा अंततः एक समाज के भीतर होती है, समाज से वो अलग नहीं हो सकती। अब अभी जब दीपक जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी और एक आदर्श और धार्मिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आज मान लीजिए हमारे शहर में दो शिक्षण संस्थान खुल जाते हैं, एक बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न है, सारी सुख सुविधाओं वाला है, जिसमें बड़े हाई फाई सारी चीजें हैं, और एक गुरुकुल नुमा खुल जाता है जिसमें धोती वाले पंडित जी पढ़ा रहे हैं, और वो है, आपको अगर अपने बच्चों को भेजना चाहे तो आप किस स्कूल में भेजेंगे? सर मैं अग्रवाल साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। दूसरा, मेरा एक बेटा है, मेरे सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि उसे कहीं बाहर मल्टीनेशनल में नौकरी मिल रही है, जिसका एक बड़ा पैकेज है, और दूसरा ये कि वो यहीं रहकर एक दुकान खोल सकता है, एक स्टोर खोल सकता है जयपुर में रहकर। अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो एक बड़ा स्टोर खोल सकता है। मैं उसे किस रास्ते पर भेजना चाहूंगा? मैं केवल बच्चे को दोष दूंगा कि वो विदेश उड़ जाता है, या मैं अपने भी सोच उसके लिए जिम्मेदार हूं? और मेरा स्पष्ट उत्तर है कि हम सबका सोच भी बदल गया है, केवल नई पीढ़ी को और शिक्षा को ही दोष देना परिणाम नहीं है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और हमारे बच्चे बड़े हाई फाई इंस्टीट्यूशन पर पढ़े, संस्कार वंस्कार तो ठीक है घर में हो जाएंगे। अब यही अग्रवाल साहब, परेशानी यही है कि संस्कार वंस्कार तो हो जाएंगे लेकिन करोड़ों रुपए हमको चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने, आप जैसे बात कर रहे थे कि अंग्रेजी स्कूल की और हिंदी जो शिक्षा पद्धति की है, मैंने मेरी बेटी को हिंदी मीडियम से शुरू से पढ़ाया। आज के जमाने में हिंदी मीडियम से पढ़कर वो 50,000 रुपए महीने उसने ग्रेजुएशन होने से पहले कमाना शुरू कर दिया। तो पहले मुझे लगता है कि संस्कार जरूरी होते हैं, उसके बाद हमारा रुपया, धन और जीवन चलाने के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको अंग्रेजी पद्धति नहीं अपनानी चाहिए, लेकिन हमें अपने संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर मान लीजिए जीवन भर करोड़ों रुपए काम नहीं आते हैं, जीवन भर काम आएंगे तो आपके संस्कार आएंगे। आज आपके पास लाखों रुपए की जॉब है, कल हो सकता है वो नहीं रहे, लेकिन आपके संस्कार, आपकी जो सोच है, उसको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, वो आज भी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। जी, और दूसरा प्रश्न था, अच्छा वो आपने ठीक है, तो यहीं पे इन सारी जो चर्चा है, इन सबसे एक बात जो निकल के आती है कि हिंदी मीडियम में मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, या एक वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके बाहर जा रहा है, इन सब के मध्य एक प्रश्न जो उभर के आता है वो ये है कि आज 7.5 दशक के बाद चिकित्सा विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम विश्व में हमारी प्रतिभा का कितना लोहा मनवा सके हैं। एक चिकित्सक के रूप में बजरंग सोनी जी क्या देखते हैं? चिकित्सक हमारा भारत का, हम बहुत आगे बढ़े हैं, मेरा मानना है कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, पहले प्लेटलेट 40,000 हो जाती थी, 50,000 डेंगू में तो प्लेटलेट चढ़ाते थे, चिकित्सकों ने देखा कि 5,000 होने तक भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अनुभव से हमने सीखा कोरोना के इलाज की तरह। हम विज्ञान में, संस्कृति में भारत बहुत आगे बढ़ा है। जैसे मैंने पहले कहा, शशि थरूर ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था कितनी यूनिवर्सिटी थी, कितने प्रोफेसर थे, कितनी पीएचडी इंस्टीट्यूट थे, कितने आईएम थे, आज हम बहुत आगे बढ़े हैं।
निस्संदेह। लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई हमारा जो मूल उद्देश्य था उससे हम कहीं भटक गए, यानी हम प्रगति तो भौतिक प्रगति बहुत हो गई है, बहुत सारा आगे बढ़ गया, लेकिन जिस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना था, हमें लगे कि हमारा भारत बना है उसमें हम कहीं पिछड़े हैं। तो हमें अभी एक अच्छे किसी कवि की पंक्तियां हैं, बात है कि हमें बच्चों को इस तरह बढ़ाना चाहिए, इतना पैसा उनको कमा के देना चाहिए, इस तरह उनको काबिल बनाना चाहिए कि जब हम बीमार पड़े तो वो पहले डॉक्टर को बुलाएं ना कि वकील को बुलाएं। हमें इस तरह की जनरेशन पैदा कर, जब हम मरने लगते हैं तो पहले वकील को बुलाते हैं कि पहले वसीयतनामा लिखाया जाए, और तो उसके बाद संस्कार से आएंगे या पैसे से आएंगे? संस्कार से आएंगे, संस्कार से आंगे। हर हालत में यही मेरा कहना था कि पहले हमको संस्कार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भजन सोनी जी बताएंगे कि विश्व में जाने माने डॉक्टर्स भारत से कौन कौन हैं? नहीं, बहुत से हैं, डॉक्टर चित्रंजन हैं, अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की तो कमी नहीं है विश्व में, भारत के इतने डॉक्टर्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भारतीय मूल के हो गए, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की चीज है। बाहर जाके बसते हैं। मैं हूँ, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं उसको कहता हूँ कितना भी बड़े बनना लेकिन भारत का रहना भैया, भारत मूल का मत बनना। लेकिन क्या वो जो भारतीय मूल के रहे हैं और वो आज विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, क्या उनकी पढ़ाई भारत में होगी हुई है, क्या भारत की शिक्षा पद्धति के वो प्रोडक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, भारत में हुई है, बिल्कुल भारत में हुई है। मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सिंगल, उनके पास कोई सिफारिशी चिट्ठी लेके आया, दो सिफारिशी चिट्ठी है, एक राजनेता की चिट्ठी है और एक व्यापारी की चिट्ठी है, तो मैं डॉक्टर साहब को किसकी चिट्ठी दूं? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को व्यापारी की चिट्ठी देना, राजनेता की मत देना। बोले क्यों? लेकिन राजनेता के कारण वो भारत राजस्थान से बंबई में आए हैं, व्यापारी की चिट्ठी दोगे तो आपका काम हो जाएगा, राजनेता से प्रताड़ित होकर के उन्होंने राजस्थान छोड़ा है। तो चिकित्सक के अलावा भी तो क्षेत्र में सामने लेके आए? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूं कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो 88% पॉपुलेशन हमें मिली थी और 77% भूमि, और इसका मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, जो पाकिस्तान को जगह मिली उसमें 45% जो रेशियो था उनकी जमीन का वो सिंचित भूमि थी इरिगेशन वाली, हमारे यहाँ केवल 17% थी। अब हमारा इतना इरेगुलर वो था, लेकिन उसके बावजूद हम आगे बढ़े हर फील्ड में। अब जो सड़क थी वो 155,000 किलोमीटर की थी, आज पूरे हिंदुस्तान में पक्की सड़कें। मैं 47 से 2015 को कंपेयर कर रहा हूं। रेलवे की जो ट्रैक थी वो 53,000 किलोमीटर थी, और उसमें भी जब डिवीजन हुआ तो आधी बेकार हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। आज हिंदुस्तान के लगभग हर जिले में, हर शहर में रेलवे की कनेक्टिविटी है। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़े, जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत आगे बढ़े हैं। हमारा प्रोडक्शन आप देख लें, किसी भी तरीके से आप चावल की पैदावार देख लें, जो 710 किलो पर हेक्टेयर होती थी वो अब पता नहीं लगभग कई हजार टन तक पहुंच गई। तो बहुत सी चीजें हमारी डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन में हम आगे बढ़े हैं। जो सिलिकॉन वैली है टोटल, वो बेस्ड इंडिया की, उस पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी प्रतिभा के पलायन को क्यों नहीं रोक पाए। प्रतिभा ने करके दिखाया कि आई एम टैलेंटेड, अब नाउ इट्स इनटू द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कि वो ये तय करे कि हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। इसलिए डेवलपमेंट साइंस का भी हुआ, हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो एम्स को ले लें आप किसी और तरह के, तो हर तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है, हर तरह की डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुए हैं, उसमें निराशा की स्थिति नहीं है। मेरा भाव सिर्फ एक था कि हम जो सोसाइटी का वैचारिक स्तर है उसको उस जगह नहीं ले गए, अदरवाइज हम किसी भी मामले में देश, किसी भी देश के कंपैरिजन में पीछे नहीं ठहरते, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कविता जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, मैं चिकित्सक हूं मूलतः, और हमारे समुदाय को बहुत शिकायत रहती थी कि लोग हमें सम्मान नहीं देते, मारपीट करते हैं, हमारे साथ झगड़ा करते हैं, सरकार पैसा नहीं देती। लेकिन इस कोरोना काल में जिस संजीदगी से सरकार ने और जनता ने चिकित्सकों को प्यार दिया है, जिस प्यार से हमें रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो डबल कर दी तनख्वाह डबल कर दी, और हर सरकारों ने जितनी भी छूट दी जा सकती थी चिकित्सकों को, जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, जो प्यार दिया जाना था, इतना ज्यादा दिया है कि चिकित्सकों की 50 साल की शिकायत
मात्र 5 महीने में दूरी हो गई। सर एक चीज मैं थोड़ा सा पूछूं, एक मेरी एक क्यूरियोसिटी है, 40s में 30s में शायद जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर थे और एक बड़ी आपदा आई तो गांधी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, तो गांधी ने एक लेटर लिखा कि भाई मैं सुभाष चंद्र बोस का कायल हो गया क्योंकि सेवा जो हो सकती है वो भावना से नहीं होती, केवल योग्यता से भी होती, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत जोरदार। अब सवाल ये कि सम्मान हमारा हुआ खूब सी, फैसिलिटीज कोरोना से लड़ने के लिए कितनी प्रोवाइड कराई गई? मेरे रिलेटिव डॉक्टर्स हैं सर, और मैं इस समय हॉस्पिटल में ही बैठा हूं, मैं मजबूरी में इस समय मतलब आईसीयू के बाहर ही आकर के बात कर रहा हूं। अब भी ये शिकायत है कि पीपीई किट को 3 times यूज करने के लिए बोला गया कि एक पीपीई किट 3 times यूज होगी, यहां तक की हिदायत थी, प्रॉपर था ही नहीं कुछ भी सिस्टम। हम उस सम्मान की आड़ में उस अयोग्यता को छिपा लें, वो XYZ कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स, सवाल ये कि केवल हमने भावना कर दी कि आज डॉक्टर्स के सम्मान में आप ये करें, उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। सम्मान मन का है, जो बेटर सेवा हो पाएगी वो सुविधाओं से हो पाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अभी 7 दिन से कोरोना से निकल के आया हूँ, महात्मा गांधी अस्पताल से भर्ती समय कोरोना हो गया मेरे। अच्छा, एज ए डॉक्टर भी हूँ और एज ए मरीज भी रहा, पर मैंने जो सेवा देखी है लोगों की वहां पे और जो परिस्थितियां हैं, निसंदेह साधन कम है लेकिन फिर भी सरकार ने काफी कुछ किया है, मैं सहमत हूँ इस चीज से, और समाज ने भी जो सम्मान चिकित्सकों को इन दिनों दिया है उससे हमारी शिकायत काफी कुछ दूर हुई है। अब जो तकलीफें हैं, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और दूर होंगी। अशोक गहलोत जी एक बढ़िया बात कहते हैं, एक सिस्टम चालू होना चाहिए और जैसे जैसे कमियां आती जाएंगी हम दूर करते चले जाएंगे। आप दोनों ने बिल्कुल सही बात बोली सर, कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, आपके कहने के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी दुरुस्त है कि हम विश्व भर में बहुत अच्छे स्टैंड पे खड़े हैं। हमारे डॉक्टर्स ले लीजिए या अन्य क्षेत्र में विज्ञान और सड़क, आपने रेलवे और सबका एग्जाम्पल दिया। मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई ये हमारी शिक्षा प्रणाली का इतना अच्छा बाय प्रोडक्ट है, ये सब चीजें हो रही हैं? आप अपना प्रश्न फिर दोहराइए कविता जी। ये जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, आज तक 70 years हो गए है ना, 70 years, मोर देन 75 years, 74 years हो गया, ये 74 years में हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी है कि हम विश्व भर में इतना अच्छे चिकित्सक दे रहे हैं, इतना अच्छा इतना अच्छा साइंस, इतना सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देयर इज नो लैक्यूना इन आवर एजुकेशन सिस्टम। नहीं देखिए, ये जो आपका अंतिम वाक्य है ना, इसके जवाब वो मैं दोहरा दूं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, राइट सर। और हमारे यहाँ हिंदी कवि मुक्ति बोध ने कहा कि जो है उससे बेहतर चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है जीवन में कि सब कुछ परफेक्ट है, उससे बेहतर होना चाहिए। असल में मुझे लगता है कि प्रणाली में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ उसके मैनेजमेंट में, शिक्षा पद्धति वगैरह सब ठीक है अपनी जगह, आप संसाधन ही उपलब्ध न करवाएं। मैं एक छोटा व्यक्तिगत उदाहरण दूं, मेरी बेटी ने जोधपुर से इंजीनियरिंग किया, बीई किया उसने कंप्यूटर साइंस में, और जिस वक्त वो वहां से बीई कर रही थी, कॉलेज में न तो कंप्यूटर की कोई फैकल्टी थी और न एक भी कंप्यूटर था। अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, आप फैकल्टी नहीं दे रहे हैं कंप्यूटर को, पर कंप्यूटर में बीई की डिग्री दे रहे थे, अब इसमें आप प्रणाली को कहां दोष देंगे? लेकिन जो तंत्र है वो तो गड़बड़ है ना। आप पूरा का पूरा कॉलेज खोल कर रख दें और आप वहां शिक्षक ही ना दें, तो वो तंत्र क्या करेगा आपका? और मुझे लगता है सारा सोच इस तरफ होना चाहिए कि जो मूलभूत जरूरतें हैं आप उनको पूरा करें। जहां तक प्रणाली की बात है, हिंदी के एक बड़े आलोचक है कविता जी, मैंने पांडे, उनका बड़ा अच्छा कहना है कि आप मुझे कोई किताब दे दीजिए, पढ़ाऊंगा तो वो जो मुझे पढ़ाना है। तो असल में दम अगर होगा तो आप कुछ भी दे दीजिए, कोई प्रणाली दे दीजिए, आप मुझे पेड़ के नीचे खड़ा कर दीजिए, वहां जाकर भी मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप मुझे बड़ा कमरा दे दें तो वहां जाकर भी पढ़ा दूंगा। तो हमारे यहाँ जो मानव प्रतिभा है उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छे शिक्षक रहे हैं, समर्पित शिक्षक रहे हैं और उन्होंने काम किया है, यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज हमारी बोलती है। लेकिन उसी तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि हमें भारत मूल का हो जाना पड़ता है, खुराना को भारत में रहकर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, वो जब अमेरिका जाता है तो वो नोबेल प्राइज प्राप्त कर पाता है, आप वैसी लैब उसको नहीं दे पाते हैं जहां वो काम कर पाए। तो उसमें है,
अब जरूरत इस बात की है कि आप उन संसाधनों को रचें जहां हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और इसलिए ही जैसा मित्रों ने भी कहा है, उस दिशा में काम हो रहा है। हम ऐसा नहीं है कि जहां 47 में खड़े थे वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, लोग बहुत आगे आए हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा अब भी ये है कि हम आज भी यहाँ खड़े हैं, कल वहां से थोड़ा और आगे खड़े नजर आए, हम उससे बेहतर चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। संदेश त्यागी जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि जब कोई और बोल रहे हो तो अपना माइक म्यूट करें। मेरी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोगों ने जब इतने विस्तार में बात की तो जो राउंड अप करने का बारी आती है, तो मुझे सबसे अच्छा जो प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने नजर आता है वो ये है कि विकास, विकास का क्या मॉडल हो, यानी भारत में विकास की परिभाषा क्या है, हम क्या गलत परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं या बहुत अच्छा है, या विकास की मॉडल क्या हो। मैं आप सभी से बारी बारी से चाहूंगी, दीपक गोस्वामी जी आप क्या कहेंगे। जी मेरा ये मानना है कि सबसे पहले देखिए हमको हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। शिक्षा पद्धति आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन हमारी सोच है हमको उसको बदलना चाहिए। हमको समाज के लिए, देश के लिए सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं जाकर सफल हो पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक में उन्होंने अपने 30 पेज जो है वो हटा दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनको अभी मत जोड़िए, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके 30 साल के बाद ये 30 पेज जोड़ दीजिएगा। तो उनकी जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं सरकारों से, राजनेताओं से कहीं ना कहीं दबाव में रहे थे। तो हमको ये सोच बदलनी है। आज मान लीजिए अग्रवाल साहब हैं, त्यागी जी हैं, सोनी जी हैं, इनके मन में, इनके दिमाग में कोई चीज है तो उसको समाज के सामने रखना जरूरी है, उसको देश के सामने रखना जरूरी है, और उसके बाद इसको किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, सरकारों को किस तरह से बाध्य करना है सही तरीके से काम। क्योंकि देखिए सरकारें कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी को, वो सिर्फ अपना ही हित देखती है और वो उनका हित देखती है जो उनके वोटर्स हैं। लेकिन इसमें जो नॉलेज वाले लोग हैं, जो शिक्षा पद्धति के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। हम शिक्षा की बात करें तो मैं आपको कविता जी बताना चाहूंगा कि देश में चाहे हम आसाम चले जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे हम साउथ में चले जाएं, बहुत से हमारे ही राजस्थान के मारवाड़ी लोग वहां पे बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो कि मात्र 10वीं पास है, मात्र 8वीं पास है, लेकिन उनके अंडर में आज गोल्ड मेडलिस्ट MBA, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स, ये उनके अंडर में काम कर रहे हैं और उनकी सलाह से वो सक्सेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि उनकी सोच क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनको किस तरह से अपनाएं, तब जाकर हम सफल होंगे। जी बजरंग सोनी जी, आप विकास के मॉडल या विकास की परिभाषा के बारे में फटाफट बताएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से हम विकास का मॉडल तय करें। हमारे लोग हैं, हमें क्या करना है। होता क्या है कि मैं दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल से नहीं सीखना चाहता, कविता मुखर्जी से नहीं सीखना चाहता, मैं उत्तर प्रदेश के किसी कवि से सीखना चाहता हूं, मैं नेपाल के किसी कवि से सीखना चाहता हूं। तो हमारे पास संसाधन है, हम उनसे सीखें, अपने तरीके से सीखें तो हम आसमान को छू सकते हैं। और अपने लोगों का आकलन करें, सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज पहले मिलता है, भारत रत्न बाद में मिलेगा, पहले नोबेल प्राइज मिलता है। भाई पहले आकलन तो अपन करें कि कविता मुखर क्या है, कि दुर्गा प्रसाद मुर्गी दाल बराबर, आप लोकल को वोट बनाना चाहते हैं, वो हम करें। मेरा कहने का मतलब जैसे बच्चों के बारे में होता है, एक बार बेटी का जन्मदिन मनाया तो हमने कहा इस जन्मदिन में अपन कोई भी लोग शामिल नहीं हो, केवल बच्चे ही शामिल हो, अपने हिसाब से खाएं, अपने हिसाब से नाचे, अपने हिसाब से डांस करें, अपने हिसाब से फोटोग्राफ करें। और वो शायद मेरी बेटी का सबसे बढ़िया जन्मदिन था। बहुत खूब, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने। के बारे में बजरंग सोनी सोचते हैं, महिलाओं के बारे में बजरंग सोनी सोचते हैं, राजनीति के बारे में साहित्यकार सोचते हैं और संगीत के बारे में खिलाड़ी सोचते हैं। ये बंद होना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाए। जी दीपक जी आप बताएं, मैंने दीपक जी से बात की थी ना, संदेश जी से पूछा नहीं था ना। जी बिल्कुल, मैं अगर इस विकास की परिभाषा को दो पंक्तियों में कहूं तो मुझे लगता है कि अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर चलना और जटिलता से सरलता की ओर चलना विकास है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। अब हम अगर एक डेवलपमेंट सोसाइटी में सिस्टम से नहीं कर पाएंगे तो उस डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं है। और मुझे तो अशोक साहिल की पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी कि बुलंदियों पर पहुंचना तो कुछ कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अब हम जितना डेवलपमेंट कर चुके, इस डिबेट में बहुत सी चीजें सामने आई कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, कुछ और नहीं लग रही है। मुझे कुल मिला के मेरी चिंता एक है कि डेवलपमेंट होगा
आप एटमॉस्फेयर दें, इंडस्ट्री लगेगी आप एटमॉस्फेयर दीजिए, और वो कम्युनल एटमॉस्फेयर भी आपको देना पड़ेगा, वो सौहार्द आपको देना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन पैसा कब लगाएगा, इंडस्ट्री कब डेवलपमेंट करेगा, जब उसको लगेगा कि मैं यहां लगाना मेरा सेफ है, इन्वेस्टमेंट मेरा सेफ है, तो वो वहां जाकर के कुछ चीजें करेगा। समाज में सौहार्द अगर नहीं होगा इस इतने साल बाद भी, तो आप किसी तरह का डेवलपमेंट सोच लीजिए। हो सकता है कि चमत्कारिक रूप से आप कोई एक अनुसंधान कर लें, आप कोई किसी तरह की टैबलेट खोज लें। अब हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं होता कि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो जाती है कि हमारे कोरोना की दवाई बन गई और बाद में घोषित होता है। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल अगर है तो ये डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये विनाश है, ये विकास नहीं है। और वो सांप्रदायिक सौहार्द जब तक नहीं है तब तक नहीं हो सकता। जी दुर्गा प्रसाद जी, मैं डॉक्टर संदेश त्यागी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब तक इंसान और इंसान को हम लोग नहीं जोड़ते हैं सारी बातें बेमानी हैं। मैं विकास के जिस मॉडल की कल्पना करता हूँ, नाम लेकर मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि नाम से आप ये ना समझें कि मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे उस विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है जो अडानी और अंबानी का विकास करना चाहता है, जो किसी महानगर का विकास करना चाहता है, जो किसी हवाई सेवा का विकास करना चाहता है। मेरी दिलचस्पी उस विकास के मॉडल में है जो प्रेमचंद के घीसु और माधव और होरी और धनिया की चिंता करे, और जो किसी गांव की कच्ची सड़क को पक्का बना दे या वहां एक सरकारी बस चलवा दे, उस विकास में मेरी दिलचस्पी है। अगर उस तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारी आजादी सही मानों में आजादी होगी। बहुत खूब, आपने जो बातें कही, आप सबने जो विकास का जो परिभाषा दी, जैसे बजरंग सोनी जी ने इंडिविजुअल लेवल पे कहा कि मैं जो जहां है जो विकास करना है, तो संदेश त्यागी जी और दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी पूरे परिवेश के साम लेके चलते हैं कि विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। दीपक गोस्वामी जी भी इस बात से एग्री करते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आज का जो ये हमारा संचालन रहा या हमारा जो ये कार्यक्रम रहा, ये बहुत सही छोटे 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 मुद्दों को उभार के लेके आया है, और जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस बात को समझेंगे कि विकास जो है जितना सरकार की नीतियों पर निर्भर है उतना ही हमारे हाथ में भी है। हमें भी उद्यमी होना पड़ेगा, हमें भी इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शिक्षा और व्यक्तित्व और लोकल इन सब चीजों को हम कैसे जगह दें, कैसे विकसित करने में हेल्प करें। हम जापान और चाइना के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका उदाहरण सामने रख सकते हैं कि वो कितने उद्यमी होते हैं, कितने परिश्रमी होते हैं, और वो हम हमेशा से रहे थे, क्या कारण है कि हम पीछे रह गए। तो मैं इन सबको वापस से जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सभी मुद्दों पर इस 15 अगस्त पर यह चिंतन और चिंता का विषय है और प्रत्येक भारतीय के लिए चुनौती भी है। आइए सोचें, निर्णय लें और क्रियान्वयन करें, क्योंकि सोच, निर्णय और क्रियान्वयन की आजादी हासिल किए बगैर आजादी सचमुच अधूरी ही रहने वाली है। मुझे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद सत्ता का हिस्सा रहे थे, उनकी पंक्तियां याद आती है। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को वाइंड अप करती हूँ, और आप सभी को दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी और बजरंग सोनी जी, दीपक गोस्वामी जी और संदेश जी बीकानेर से हैं हमारे बीच में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, आपने सबसे मूल्यवान समय हमारे टीम सिटी लाइफ के लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही संजीदा बातें, बहुत ही अर्थवान बातें की हैं, और लाभान्वित हुए हैं हम सब यहाँ पे जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं। और हम टीम सिटी लाइफ का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लगातार आपके कार्यक्रम को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और आप समाज की जरूरत को पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का। मैं मुखर कविता जयपुर से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.